सुबह से लोग आए जा रहे हैं। हाँ, ऐसे मौके पर जितने भी कांधे मिले कम ही होते हैं। बेचारा कल तक तो हंस खेल रहा था, अभी अभी जिंदगी जीने लगा था, भरी जवानी में बेचारा। बड़े अफसोस की बात है। चाचा कोई मर गया है क्या? नहीं, कल उसकी शादी है। शिट! अबे प्रेम, जल्दी आ जा यार, मेरी इतनी फट रही है ना, लगता है जहां बैठा हूं वहां से जिंदगी भर उठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अबे मेरे फट्टू, कल तक तो हमारे पास हनीमून मनाने का लर्निंग लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन कल तेरी शादी होते ही तुझे जिंदगी भर का लाइसेंस मिल जाएगा, और वो भी पक्का। साला मैंने लाइसेंस के लिए क्या क्या नहीं किया, भगवान के आगे हाथ जोड़े, पंडित को अपना हाथ दिखाया, और जब लड़की फाइनली हाथ लगती भी है वो हाथ भी लगाने नहीं देती। एक थी राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी, और एक मेरी है हाथी मेरे साथी। लेकिन मीत ने आज जो बैचलर पार्टी रखी है वो जरूरी है क्या? देख, ये जो बैचलर पार्टी है ना, तेरे लिए कम और हम जैसे बैचलर्स के लिए ज्यादा है, समझा? लेकिन आज अगर हम पकड़े गए ना तो मैं जिंदगी भर बैचलर रह जाऊंगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा शू। जस्ट इमेजिन, मड आइलैंड का बीच, बीच पर बंगला और बंगले में विमला और मंगला। लेकिन ये मीत है कहाँ? तू तो साले को जानता ही है, मिल गई होगी पूजा की कहीं ना कहीं सहेली। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो कहीं आप मेरी बहन पूजा की सहेली तो नहीं? बाय बेबी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते लल्लू। हाय गाइस, व्हाट्स अप? ये जो गई वो कहीं? हाँ,
मेरी बहन पूजा की सहेली यार। यार मीत, मैं आज तक समझा नहीं तेरा ये फॉर्मूला हमेशा चलता कैसे। अबे बहुत सिंपल है यार, पूजा से ज्यादा आम नाम तुझे इस देश में मिलेगा नहीं। अगर तू रोड पे खड़े रह के पूजा चिल्लाएगा ना तो 10 आगे खड़ी हो जाएंगी। हर लड़की के किसी न किसी दोस्त का नाम पूजा होता ही है, तो मैं बन जाता हूँ पूजा का भैया और फिर उसकी दोस्त का सैया। यार तेरे माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर तेरा नाम मीत रखा है। जिस लड़की को मीत करता है ना उसका मीत बन जाता है। तू तो मेरा फंडा जानता ही है यार, लड़कियां और दिन सुबह होते ही बदलने चाहिए। अब्बा सा खुद की लाल करना बंद कर। यार तुम दोनों अपनी छोड़ो यार, मैं सुबह से 10 बार दूल्हे का यूनिफॉर्म ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मुझे अभी भी घबराहट हो रही है। अबे होनी भी चाहिए क्योंकि शादी के साथ ना सिर्फ एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग आते हैं बल्कि एक और रिंग भी आता है। कौन सी? सफरिंग। इसलिए मेरे दोस्त आज की रात दिल खोल कर जी ले क्योंकि कल सुबह होते ही तू तो गया रे। पिंजरे में बंद करके ले गई जो तुझको पसंद करके, सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके, किस्मत अपनी बुलंद करके। अखियों के पिंजरे में बंद करके ले गई जो तुझको पसंद करके, सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके, किस्मत अपनी बुलंद करके। सच क्या है जरा जान ले, उस चेहरे को पहचान ले, उनकी गलियन में नाचा। कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। जब वो कहेगी उठ जाएगा तू, जब वो कहेगी तुझे सोना पड़ेगा। आज हंस ले तू कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझे सब खोना पड़ेगा। जब वो कहेगी उठ जाएगा तू, जब वो कहेगी तुझे सोना पड़ेगा। करनी होंगी गुलामियां, देनी होंगी सलामिया, आ लौट के बंधु आ जा। ये चांदनी फिर कारी कारी रात है, तू मान
गणानंतवा गणपति पंडित जी आप कितने मंत्र पढ़ेंगे? 500 रुपए दिए थे ना आपको। ठीक है ले जी मंगलसूत्र पहनाओ। ले बेटा जल्दी पहना जल्दी पहना जल्दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणो दत्त ज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनु। अपने पट्टू की पड़ रही है रे। चल जा मेरे शेर जंगल में मंगल करके आ जा। यार इससे पहले मैंने कभी you know what I mean, अबे तो क्या हुआ यार? इससे पहले उन्होंने साइकिल भी नहीं चलाई थी लेकिन सीख गया ना। देख साइकिल चलाने में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस एक बार साइकिल पर बैठ गया ना तो सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। हाँ, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि ब्रेक कब मारना है। हाँ। नहीं तो यहाँ हुआ लेट और वहां निकला पेड़। चल चल उमर कैद मुबारक हो। नहीं 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 मैं तो सुहागरात मनाने आया था। ऐसी सुहागरात मनाएंगे कि जिंदगी भर सो नहीं पाओगे। बस मुझसे और नहीं होता। रुको मत, करते रहो और जोर से और दम लगा। अरे मैं थक गया हूँ, इंसान हूँ मशीन नहीं, एक घंटे से कर रहा हूँ। मैंने कहा ना रुको मत, तुम्हें कम से कम 3 बार और करना है। कल भी तुम जल्दी थक गए थे, कम ऑन दम लगाओ। ओ माय गॉड, चलो उठो, इसके बाद दंड भी मारने हैं। पिछले 3 सालों से दंडी तो भर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दंडी तो कर रहा हूँ। अरे बिंदिया तूने मेरा चश्मा देखा कहीं? यही कहीं होगा माँ। पता नहीं मेरी नजर को किस कमीने की नजर लग गई है, बिना चश्मे की नजर ही नहीं आता मुझे। अरे जल्दी कर बिंदिया, आज WWF में ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल की टांगे तोड़ने वाला है। सोफे की टांगे टूट गई। टांगे सोफे की नहीं, मेरी कमर टूट गई। अमर तू? हाँ आप मुझे सोफा समझकर मुझ पर बैठ गई। थैंक गॉड तू था, सोफा नहीं। आजकल सोफे कितने महंगे हो गए। क्या आपको सोफे की पड़ी है, मेरी नहीं मोटी है। अरे थैंक यू बेटा। छी कान खोलकर सुन ले, कुछ ही हफ्तों में मेरा भांजा दिल्ली से ट्रांसफर होकर मुंबई आ रहा है। उसने अगर देख लिया कि मेरा जमाई ऐसा डेर पसली का है तो मेरी तो नाक कट जाएगी बिरादरी में। आप चिंता मत कीजिए माँ, पुदीना और करेले का जूस पिला पिला कर मैंने डेट पसली से ताजन बना दूंगी। ताजन नहीं बेटा, अंडरटेकर। हाँ। और बेटा सुन, तूने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए ना मक्खन के साथ? हाँ, और गाजर का हलवा भी मम्मी। यम्मी। मम्मी मम्मी मुझे पराठे मिलेंगे? पराठे मांगे तो चाटे मिलेंगे। अब जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, क्लिनिक जाने का टाइम हो गया है। ये लीजिए आज की जेब खर्ची, 20 रुपये ऑटो से क्लिनिक जाने के लिए और वापस आने के लिए। हाँ। और कॉफी? शट अप। शट अप? लोगों के दांतों की कैविटी भर भर के पैसे मैं कमाता हूँ और मुझे तुमसे पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है? हाँ, ताकि तुम बाहर का खाना ना खा सको, दूसरे मर्दों की तरह सिगरेट और शराब ना पी सको। अब जाओ और नहलो। जाओ और नहलो भाई। कमीनो, हंस रहे हो मुझ पर? इन 3 सालों में ये नहीं सोचा किस दोस्त की क्या हालत हो रही है? लोगों को दहेज में मोटर मिलती है, स्कूटर मिलती है, कंप्यूटर मिलता है, लेकिन मेरी हालत देखो, मुझे तो ये सांस मिली है। कमबख्त जो कभी बहुत थी ही नहीं। लेकिन तुम दोनों जहां कहीं भी होंगे ना, गारंटी आज भी मजे से हनीमून मना रहे होंगे। अरे चाहे आसमान में मून हो या ना हो, लेकिन हर रोज हनी के साथ हनीमून तो होता ही है। क्या बात करते हैं यार। हाँ, अरे इसलिए तो काम पे देरी से आता हूँ रोज। अब रात भर लेट कर मेहनत करने वाला सुबह लेट ही उठेगा ना। लेकिन हम तो सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाते हैं यार, यानी कि तू तो उठता भी जल्दी है और सो भी जल्दी जाता है। ए सुरनम, पता है आज रात गीता और मैंने ब्लू फिल्म साथ में देखने का प्लान बनाया है। ब्लू फिल्म? हर नाइट सालू उठे राहुल। अरे मेरी बीवी कभी कोई नई चीज ट्राई करने से नहीं हिचकिचाती,
नई नई चीजों की खोज एक्सपेरिमेंट से तो होती है। अब न्यूटन को देख लो, चुपचाप पेड़ के नीचे सोया था कि उसके सर पर एप्पल आ गिरा और उसने ग्रेविटी की खोज कर ली। हम भी लेटे लेटे एक रात खोज तो आज रात कर ही लेंगे। घर पहुंचते ही मेरी बीवी मुझ पर टूट पड़ेगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति के चरण छू रही हूँ। अरे यार मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कि बार बार मेरे चरण मत छुआ करो। क्यों नहीं, पति के चरणों में ही तो स्वर्ग होता है। स्वर्ग चरणों में नहीं, चरणों से थोड़ा ऊपर होता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैंने जो कहा वो तुम समझ गई? हाँ आप अपने दिल की बात कर रहे थे ना। रहने भी दो, अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप कहे तो दबा दो। जो दबाना चाहिए वो तो नहीं दबाती। क्या? मेरा गला। अरे मैं आपका गला क्यों दबाऊंगी जी? अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो आपकी लंबी उम्र के लिए इतने व्रत क्यों रखती? अरे इतने व्रत रख कर तुम मेरी उम्र तो बढ़ा रही हो, लेकिन मेरी जवानी मुझसे छीन रही हो। कभी संतोषी माँ का व्रत तो कभी अम्बे माँ का, कभी दुर्गा माँ का तो कभी पड़ोसी की माँ का, कभी 16 सोमवार तो कभी गणेश का मंगलवार। पिछले एक महीने से तुम मेरे मंगल पर कोई ना कोई वार करती आई हो। कल से श्रावण महीना भी शुरू हो रहा है जी। श्रावण? यानी कि एक महीने तक श्रावण मेरी जिंदगी में रावण मारकर नाचेगा? अच्छा बताओ आज तो कोई व्रत नहीं रखा है ना? कम से कम आज के दिन तो प्यार के आंगन में गुलाब खिलाई देते। नहीं जी, आज मुझे जगराता पर जाना है। जगराता? हाँ, आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। अब चलती हूँ। रामू, बाहर कोई पेशेंट रुका है? रुका नहीं सर, रुकी है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंतजार आज का नहीं जन्मों का है। क्या, कौन है बाहर? मिस सक्सेना। सक्सेना? डर के मारे मेरे दिल की धड़कन कैसे धक धक कर रही है, देखो ना, देखो ना। रामू तू कुछ भी कर, उस सक्सेना को भगा यहां से। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसी एवर रेडी बैटरी है जो मुझे चार्ज करने के लिए एवर रेडी रहती है, और मुझे रेडी रहना है। अरे सर, दुनिया कहती है गिव मी रेड और आप रहना चाहते डेड। तू मेरे साथ बहस मत कर, तू जो मैंने कहा वो कर। सक्सेना को बता कि मैं बीमार पड़ गया और मैं यहां से चला गया। लेकिन सर आप बाहर जाएंगे कैसे? Excuse me, folks. Come on, girl, fast. Excuse me for the delay. और अमर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे भाई, जब तक कुछ किस्म के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, हम जैसे सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस तो जोर शोर से चलती रहेगी। Isn't it, baby? Excuse me. हेलो, यस डार्लिंग, बोलो। नहीं नहीं, आज मैं जरा देर से आऊंगा। क्यों? अरे ओवर टाइम जो कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास। कभी कभी तो दो दो पेशेंट से निपटना पड़ता है मुझे, तुम जानती हो ना। हाँ तुम खाना खा लेना। नहीं नहीं, मैं खाना खा के आऊंगा, नहीं कुछ नहीं। ओके बाय डार्लिंग, लव यू वाइफ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप पुराना मारे आपसे एक बात पूछो। हाँ पूछो, क्या बात है? आपने कहा कि आप घर देर से आएंगे। हाँ? और वो बिना कुछ कहे मान गई। अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुनो, बीवियों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़वाना चाहिए, वरना वो सर का दर्द बन जाती। उन्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि घर में पतलून वो नहीं हम पहनते, समझे? गुड मॉर्निंग बिंदिया जी। ठीक है चाय रखो और कपड़े धोने जाओ। जो हुकुम बिंदिया जी। अरे कहाँ खो गए भाई? नहीं कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनको हमेशा बताते रहना चाहिए कि घर में पतलून हम ही पहनते हैं। ओके गर्ल्स, आप लोग गाड़ी में लिए वेट करो, मैं भी आया। एंड डोंट मी नॉटी नॉटी विदाउट मी। ओके यू नो अमर, जब से ये दो लड़कियों को मैंने नर्स की नौकरी दी है, मरीजों की भीड़ लगी हुई है। अभी दो तीन दिन पहले की बात है, एक बेचारा मरीज थके सिपाही की तरह अटेंशन चिल्लाने पर भी विश्राम में ही रहता था।
लेकिन इन दोनों को देख के विश्राम से सावधान और सावधान से सैल्यूट, समझे? अमर, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने डिस्पेंसर के लिए एक सेक्सी सी नस रख लो। वो क्या है ना कि लड़कियों के साथ मैं बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ। लड़कों के साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। नहीं नहीं, मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बातों में तुम बिल्कुल प्रेम पुजा रही हूँ। ओह भाई, एक मिनट के लिए मैं समझा कि तुम प्रेम पुजारी नहीं, किसी प्रेम के पुजारी, यू नो। सी यू बाय। प्रेम बाबू, प्रेम बाबू, क्या है? तुमने बताया ना कल रात कैसी रही? बताने के लिए अल्फाज नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है मेरे हाथ में क्या है? क्या है? ब्लू फिल्म। कल रात को तुम्हारी बातों से इंस्पायर होकर हमने स्नेहलता को कन्विंस कर लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब देखना, कल से सुब्रमण्यम भी ऑफिस देरी से आएगा। उर्वशी, उर्वशी, टेक इट इजी। ये बकरा तो साला कटने जा रहा है, ये तो गया। प्रेम? अमर, प्रेम, अमर, प्रेम, अमर, अमर, प्रेम, 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 अमर। गुड़ कहीं के रास्ते के बीच में चिपका चिपकी कर रहे हैं। मैं भी आया। अरे तुम लोग सड़क के बीच में। अरे अमर तुम। अरे डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको अपनी जान से मिलाता हूँ। ये मेरा प्रेम। प्रेम? आई एम प्रेम डॉक्टर। ऐसी बातों में तुम बिल्कुल प्रेम बुझा रही हूँ। रास्ते के बीच में प्रेम? व्हाट अ शेम। इसमें शर्म की क्या बात है डॉक्टर साहब? मेरी और प्रेम की यारी तो कॉलेज के जमाने से है। यानी तुम्हारा प्यार इतना पुराना है? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, why don't you join us? क्या बकते हो? Yeah, doc, we'll have fun. अरे हट हट हट, good fun. क्या कर रहे हो तुम लोग? Doctor, no, hat, hat, doctor साहब, hat, doctor, hat, doctor, it'll be good. No, doctor, please. बेचारा डॉक्टर गवाड़े, पता नहीं कामा सूत्रा के कौन से पोज में हम दोनों को इस वक्त इमेजिन कर रहा होगा। अरे एक फुकड़ी देना, मेरी खत्म हो गई। फुकड़ी? यू मीन सिगरेट? तूने इतनी छोड़ दी क्या? नो वे यार, मैं क्यों छोड़ू? दिन में दो चार पैकेट तो सुलगा ही देता हूँ, बस अभी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मंगा लेते। वेटर। यस सर। एक सिगरेट पैकेट देना। जी सर। याद है कॉलेज के जमाने में ये अपना अड्डा हुआ करता था? हाँ। वक्त बदल गया, लेकिन ये जगह नहीं बदली। वही टेबल, वही चेयर ना? यार मीठी कोई न्यूज़ है? या अभी दिल्ली में बिल्ली मार रहा है? अरे उसने दिल्ली में किसी रईस जौरी की बेटी के साथ शादी की और वहीं सेटल हो गया, लेकिन मैंने सुना कि वो मुंबई वापस आया है और एक नया ज्वेलरी शोरूम खोला है। ऐसा कुछ उसने शादी बिल्कुल सही जगह की है। ना तो ताने के साले की पुरानी आदत थी। I got an idea. नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना। अबे सुनना यार, let's have a reunion man. क्यों ना हम तीनों पहले की तरह मिलकर धमाल करते? Boys night out. Awesome idea man. Just the three of us. अरे तीन ही? चार। चार? तू, मैं, मीत और अपना यार। Come on. यार मीत नहीं आया। साला सारा है ना, late entry मानेगा। ये वो देख मीत। कहाँ? वहाँ बाहर पर यार। साला आया नहीं कि चलोगे? बिल्कुल बोला नहीं यार। चल सरप्राइज देते हैं। चल। अब
बम बम बोले, हरे रामा हरे कृष्णा। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, ना मिली कोई ब्यूटीफुल चिक तो चलेगा कोई भी टॉम हैरी या डिक। हाय, आप कौन है भाई साहब? अरे डेस्पो फट्टू, मैं यार मीत। मीत, यू लुक लाइक शिट। ये तुझे क्या हो गया? ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? ए, जो लेटेस्ट फैशन होता है उसे तो सारा इंडिया पहनता है, लेकिन जो मीत पहनता है ना वो लेटेस्ट फैशन बन जाता है। अब ये सब बातें छोड़ो, लेट्स हैव सम बियर्स एंड डू सम चीयर्स यार, कम ऑन। चीयर्स। सो गाइस, हाउ इज लाइफ? हां क्यों बट्टू, कैसे चल रही है? हनीमून का लाइसेंस अभी वैलिड है या फिर कब का एक्सपायर हो गया? यार जिंदगी और शादी दोनों की गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही है। अरे वाह, और तू डेस्पो, तेरे क्या हाल है? खुश है या फिर अभी खुदकुशी चल रही है? वेरी फनी। देखो गाइस, जू के पिंजरे में कैद बंदर और ज्यादातर शादीशुदा आदमी में कोई फर्क नहीं होता। दोनों गुलाटी चाहे जितनी मारना चाहे, चढ़ने के लिए पिंजरे में एक ही पेड़ होता है बेचारे। तो तू क्या अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता है जहाँ पेड़ ही पेड़ हो? अबे नहीं बच्चू, आंचल और मैं तो अपने प्यार के आशियाने में रहते हैं। तू तो मुझे जानता है, लड़की और कड़की मीत का बाल भी मां का नहीं कर सकती। अच्छा, तो तेरे बाल ऐसे चप्पट कैसे हो गए? जो इंसान बचपन से पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू नाई से अपने बाल कटवाता हो ना, उसे क्या मालूम नए हेयर स्टाइल्स के बारे में? हाँ, दिस लुक इज इन ड्यूड्स। यानी कि हर रोज बुफे खाने वाला मीत आज एक ही डिश से खुश है? अरे नहीं यार, आंचल कोई ऐसी वैसी डिश थोड़ी है, वो तो वो विश है जो ऊपर वाले से हर मर्द मांगता है, लेकिन वो देता है सिर्फ कुछ खुश नसीबों को। अरे क्या अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है यार। हाँ, ना रोकना ना टोकना, ना खिटखिट ना खिटपिट, वो मुझे इतना स्पेस देती है, इतना स्पेस देती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ नीचे धरती पर हूँ और वो ऊपर स्पेस में। हेलो जानू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस 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 यू, यू मिस मी नो जानू, पता नहीं तुम्हारे घर के बाहर चले जाते ही मुझे क्या हो जाता है। लाइफ इज सो शॉर्ट, और इस शॉर्ट लाइफ में मैं तुम्हारे चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन, तुम्हारे मुंह से निकली एक भी बात, तुम्हारे साथ गुजारा एक भी पल नहीं मिस करना चाहती। I love you so much. You love me, no? फिर से? अभी अभी तो आधे घंटे पहले कहा था ना। आधा घंटा? पता है आधे घंटे में क्या क्या हो जाता है? आधे घंटे में टीवी सीरियल का एक पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है, आधे घंटे में फ्रिज में रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है, आधा घंटा तो क्या, तुमसे आधे सेकंड की भी दूरी मुझे आधा कर देती है जानू। आधा ग्लास पानी देना। अभी झूठा था। Say you love me. I love you. और जोर से कहो ताकि सबको सुनाई दे। हेलो 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 हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बस खुश, बहुत खुश। अब मैं जा सकता हूँ प्लीज? ओके जानू, मैं फिर से फोन करूंगी। हाँ बाय। हेलो, मिस मी? ओके ओके बाय। उफ, ये नए फोन्स भी ना रेंज ही नहीं होता यार। अरे तेरा ड्रिंक खत्म हो गया। वेटर रिपीट। सर ये लास्ट ऑर्डर है। क्या? तो एक काम करो, 6 बॉटल और ला दो, क्योंकि आज कोई भी ऑर्डर हमें रात भर पीने से नहीं रोक सकता। राइट राइट। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे प्रेम। ये बंद करा यार ये रेडियो को, साला अपना दोस्त है लेकिन कितना बेसुरा गाता है। अरे इतने बरसों के बाद अपने दोस्तों से मिला हूं, आज ये पगली दिल खोल के गाएगी। अबे देख, तेरा गाना सुन के मोबाइल भी रोने लगा। हेलो,
कहाँ हो तुम? आंचल, पता है कितनी देर हो गई है? हेलो, हेलो, हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम? वहाँ बेटर है। जस्ट हाँ। हेलो, हेलो। ये पट्टू। हेलो। ये तो बोल रहा था कि इसकी बीवी उसको बहुत स्पेस देती है। हेलो। तो बार-बार फोन क्यों कर रही है? हेलो, हेलो। हाँ बोलो जानू। मैं यही अमर प्रेम और मीत के साथ नहीं हूँ सच्ची। मैं भी वहाँ आ जाऊँ, इसी बहाने उन दोनों से भी मिल लूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ मत आना, मैं भी घर आ रहा हूँ जल्दी, प्लीज। ओके जानू, बट यू लव मी नो? हाँ आई लव यू। यू मिस मी नो? हाँ आई मिस यू। बाय। ओके बाय। ये क्या हो गया तुम्हें आंचल? Is this any way to behave? यही सिखाया मैंने तुम्हें? बार बार इन छोटी बातों के लिए तुम मुझे क्यों फोन कर रही हो? समझाया था ना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे फोन करके डिस्टर्ब करो। मैं जब तक चाहूँ जितनी देर तक चाहूँ घर से बाहर रहूंगा, अंडरस्टैंड? तुम सो जाओ। मसलून बराबर बनता है साला। क्या तू नहीं समझेगा यार? मैं बोल रहा हूँ। खबरदार, अगर दोबारा फोन किया ना। तू इतने देर से हमें बेवकूफ बना रहा था? अपनी बीवी पर रोम जमाने का झूठा नाटक कर रहा था तू? क्या जरूरत थी ये सब करने की मेरे दोस्त? क्यों? मेरे झूठ का कि मेरी बीवी मुझे स्पेस देती है। अरे मेरी बीवी तो स्पेस में घूमती है, सैटेलाइट की तरह है जो 24 घंटे मेरे सर पर मंडराती है और मुझ पर नजर रखती है। इतनी बड़ी चिपकू है, इतनी बड़ी चिपकू है कि अगर फेविकॉल वालों ने देख लिया ना तो उसे स्पॉन्सर कर देंगे। हम जब थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमारी दो सीटों के आगे के दो, पीछे के दो, दाएं के दो, बाएं के दो सारी सीटें बुक कर लेती है ताकि गलती से भी कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास ना आके बैठे। दोस्त ये जो मेरे चप्पू बाल है ना, ये कोई नया स्टाइल नहीं है दोस्त। पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू नाई से कटवाए मेरी बीवी ने, ताकि मेरी लंबी लटों को देखकर कोई सुंदर लड़की मेरे प्यार में लंबी ना हो जाए। दोस्तों, मैं वो बंदर हूँ जिसे पिंजरे में ना सिर्फ रखा गया है बल्कि पिंजरे के अंदर के पेड़ से बांधा भी गया है। मत्रो मीत, मत्रो यार, तेरी बीवी 24 घंटे कम से कम तेरे पीछे सैटेलाइट की तरह लगी रहती है। मेरी बीवी को शंकर किशोर और पवन से टाइम मिले तो मेरे पीछे भागे ना। क्या तेरी बीवी का इन तीनों के साथ अफेयर चल रहा है? अबे नहीं रे, मैं शंकर भगवान, किशन कन्हैया और पवन पुत्र हनुमान की बात कर रहा हूँ। उसे छूने के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी मंदिर में खड़ा घंटा बजा रहा हूँ। तू तो सिर्फ घंटा बजा रहा है पर मेरी बीवी और उसकी बात तो मेरी पूरी बैंड बजाती है। उन दोनों की माँ बेटी की नहीं, WWF की जोड़ी है। जिंदगी के अखाड़े में रोज मुझे पटक पटक कर धोती है। आज मैं हम तीनों की हालत देख के समझ गया कि ज्यादातर मर्द ही हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं। क्यों? क्योंकि औरतों के पास तो दिल ही नहीं होता। ये बीवियां परेशान कर करके हम मर्दों को तो मार ही देती है। हमारी जिंदगी में ना ही कोई मजा है, ना ही कोई मस्ती, बल्कि एक ऐसी भेलपुरी है जिसमें चटनी नहीं है। एक ऐसी कुल्फी है जिसमें मलाई नहीं, एक ऐसी दाल है जिसमें तड़का नहीं। रोज वही फीकी सूखी बिना स्वाद वाली दाल खाकर मैं थक गया हूँ।
जब भी तेरी आंखों में ये लुक देखता हूँ ना, अरे यार ये फिर से मार हो गया उनको। जब भी तेरी बातें सुनते सारे बाल्टी भर भर के आंसू रोने पड़ते हैं। तो क्या कुछ कम रो रहे क्या? सोचो, एक खूबसूरत लड़की ने गुजरते हुए हमें मुस्कुरा क्या दिया कि हम तीनों सीना तान के खड़े हो गए। लेकिन जरा सोचो, अगर ऐसी कोई लड़की ने मुस्कुराने के बाद हमसे तो प्यारी बातें करती तो क्या होता, हमसे गले लगती तो क्या होता, हमें चुम्मा देती तो क्या होता। तू बोलना क्या चाह रहा है भाई? वही कि हम सब हफ्ते में सैटरडे संडे बाहर खाना खाने जाते हैं या नहीं? जाते हैं। कभी सोचा है क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि घर का खाना खा खा कर आदमी थक जाता है, उसे भी कभी कभी बाहर की स्पेशल बिरयानी खाने की जरूरत होती है, वरना वही घर की दाल खा खा कर उसे उस दाल से नफरत होने लगती है। मैं तो कहता हूँ कि हम सब की शादी भी ऐसे ही मोड़ पर है, अगर हमें बाहर की बिरयानी नहीं मिली तो हमें हमारी दाल, मेरा मतलब है हमारी बीवियों से नफरत होने लगेगी। मतलब कि अगर घर वाली से प्यार और मजा नहीं मिल रहा है तो क्यों ना बाहर वाले को ढूंढ कर पेश किया जाए। Let's have an affair, guys! पागल हो गया ये। अबे सटक गई तेरी। अरे मरवाई का हमको, चल। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में मस्ती दोबारा लाने का यही एक तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते। Don't get me wrong, we love our wives. लेकिन इस वक्त हमें किसी और के प्यार की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि किसी और के साथ अफेयर करने से हम सबकी शादी सुधर जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर मेरी बीवी को पता चला तो मेरी शादी बिगड़ने के लिए रहेगी नहीं। अफेयर? ऐसे कैसे अफेयर कर ले यार? अरे अफेयर करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, लड़की की। ये तू कह रहा है मी? तू जो हर सुबह के साथ लड़कियां बदलता था यार, था। अरे अब भी कुछ नहीं बदला मेरे दोस्त, तू एक बार मैदान में उतर के तो देख। मैदान में जितने भी मेडन थे ना, सब कूद कूद कर तेरे साथ खेलने आएंगी। क्या बात कर रहा है यार? वैसे प्रेम, तुझे सही कहते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पहली बार जिंदगी में तू सही बोल रहा है। ऑलवेज मीत, तू भी पार्टी चेंज। नहीं, बात तो सुन यार। देख, मैंने सुना है जब एक मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करता है ना, तो उसकी गलती का एहसास उसे काटने को दौड़ता है, और उस एहसास की वजह से वो अपनी बीवी से प्यार करने का और उसे खुश रखने की डबल कोशिश करता है। हाँ, और शायद प्रेम की बात मानने से और किसी सेक्सी लड़की के साथ अफेयर करने से हम भी अपनी बीवियों से ज्यादा प्यार करने लगे, यू नो। हाँ हाँ, कितनी कमीनी फिलॉसफी है तुम्हारी यार। बिल्कुल सही फिलॉसफी है। हाँ? तो आज एक फैसला करते हैं, आज से लेकर अगले एक महीने तक हम लोग घर की दाल नहीं खाएंगे। करेक्ट। और एक ऐसी रेस्टोरेंट ढूंढेंगे जिसमें हमें बिरयानी भी मिले और बोटी भी। यस। और एक महीने के बाद दोबारा मिलकर एक दूसरे को बताएंगे कि हम लोगों ने कितनी बार और कितने मजे से बाहर का खाना खाया। लेकिन अबे क्या लेकिन? तू इतना फट्टू क्यों है रे? कम ऑन अमर, पिंजरे से बाहर निकल और जंगल का राजा बन। राजा तगर बिंदिया का फोन। मैं तो बोलता हूँ फोन काट। हाँ अमर। क्या? काट दे फोन, वरना ये फोन अगले एक महीने तक तेरे रास्ते का काटा बनकर तुझे चुभेगा। काट। लेकिन कैसे काटू यार? काट मेरे शेर काट। कम ऑन अमर, हिम्मत कर, काट दे फोन। चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन। चैन कुली की मैन कुली, मैन कुली की चैन कुली, चैन कुली की मैन कुली की चैन। दिल का पंछी करे धमाल, पिंजरे में ना इसको डाल, लड़ जाने दे लड़ते हैं जो नैन। मौज मनाए धूम मचाए, मस्ती में काटे दिन रैन। हो 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 या। चैन कुली की मैन कुली, मैन कुली की
चैनकुली की मैनकुली की चैन। दिल का पंछी करे धमाल पिंजरे में राज को डाल, लड़ जाने दे लड़ते हैं जो नैन। मौज मनाए धूम मचाए मस्ती में काटे दिन रैन। हो इसकी है चाल शराबी, उसके हैं गाल गुलाबी, इसके तो ठाट नवाबी, वाह 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 वाह। इसकी हाँ हाँ में बात है, उसकी ना ना में बात है, इसकी तो ना भी हाँ है, वाह 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 वाह। हाँ जी, हाँ जी। अरे प्यार जता ले, गले लगा ले, आ जाएगा तुझको चैन। इस पल को कैश कर ले, बिंदास जी ले मर ले, वाह 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 वाह। बीवी है घर में अच्छी, बाहर बाहर की मच्छी, यारो है बात सच्ची, हा 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 जी, हा 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 जी। ते पप्पी लाले जफी पाले, चाहत पे ना कोई बैन। हो 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 चैनकुली की मैनकुली की चैन। ओए दिल का पंछी करे धमाल पिंजरे में राव, इसको डाल, लड़ जा रहे दे लड़ते हैं जो नैन। अरे मौज मनाए धूम मचाए मस्ती में काटे दिन रैन। हो Good morning, sir. Good morning. Hi. Good morning, sir. Good morning. शीतल एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? जी सर। मैंने पूछा क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? खुश हूँ सर, बहुत 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 खुश हूँ। तो फिर वो प्यारी सी मुस्कान कहाँ है जिसे देखते ही मैंने तुम्हें हंसते हंसते इस जॉब पर रख लिया था? ब्यूटीफुल। अरे डॉक्टर साहब रुकिए तो सही, क्या है? दिन भी आप जल्दी भाग गए थे और आपका और प्रेम का ठीक तरह से मिलन भी नहीं हो पाया। जितना हुआ काफी था। अरे डॉक्टर साहब, इतनी छोटी सी मुलाकात में आपने उसके दिल पे इतना बड़ा इम्प्रेशन किया कि पूछे मत। क्या? हाँ, आपके जाने के बाद आपके नाम की माला जप रहा था वो। चेहरे पे क्या लाइट है, बॉडी कितनी टाइट है, वो तो आपका दीवाना हो गया। आपसे मिलना भी चाहता
सकता है। क्यों क्यों क्यों? कि कोई प्रॉब्लम है और आपके हाथों अपना इलाज करवाने के लिए बेकरार है डॉक्टर साहब, उसके लिए अपॉइंटमेंट लूं? हाँ लो। नहीं नहीं नहीं, बिजी हूँ, फुल है, सारा महीना फुल है, मेरा मतलब सारी जिंदगी फुल है। डॉक्टर साहब रुकिए, सुनिए मेरी बात। नहीं डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रैम, एनी अपॉइंटमेंट्स फॉर द डे? सर वही फिक्स कर रहा हूँ। सर मिस सक्सेना का फोन है, मैं उसको बता दूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप काम पे नहीं है। नो, कॉल हर, बुलाओ। क्या? हाँ, आज मैं उसे देखूंगा भी और उसकी बेचैनी और तड़प दोनों को वंस एंड फॉर ऑल मिटा दूंगा। लेकिन सर वो तो एवरेडी बैटरी है सर। इसीलिए तो बुला रहा हूँ, आज मैं चार्ज होने के लिए और करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। Ramu, no more dad, give me red. Huh? 36, 24, 36. Stop thinking about sex, Subramaniam. काम करो. Sorry. वेंकटेश्वरा, सुंदरी को हमारे पास आने दो. नहीं भगवान, इसकी मत सुनना, उसे मेरे पास लाना. देवी, आना. हाय हाय, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं तो आप ही के लिए बैठा हूँ मिस। ले ले लिली, ले 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 ले, अब बैठे ना। थैंक यू सो मच। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? एक्चुअली मैं यहाँ खुलवाने आई हूँ अकाउंट। आप मेरी मदद करेंगे ना? एक्चुअली मैं पहली बार खुद खोल रही हूँ ना। अरे मैं तो रोज खोलता हूँ, आपको खोलने में खुशी खुशी मदद करूंगा ना मैं। थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। अरे नो प्रॉब्लम, बस आप जरा ये फॉर्म भर दीजिए और शाम को आकर पासबुक और चेकबुक लेके जाइए। शाम को? ओह गॉड, एक्चुअली शाम को मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं यू नो, तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहूंगी। बिल्कुल अकेली? तो फिर आपको आने की कोई जरूरत नहीं, पासबुक और चेकबुक लेकर मैं आपके घर आ जाऊंगा रात को। रियली? ऑफ कोर्स। हाउ स्वीट, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाएंगे? अरे इसमें तकलीफ ही क्या बात है, ये तो हमारी बैंक की खासियत है, रूम टू रूम, सॉरी डोर टू डोर सर्विस। बस आप अपना एड्रेस दे दीजिए। ओह श्योर, व्हाई नॉट, थैंक्स। ओके राइट, मैं आपका बेसब्री से इंतजार करूंगी रात को। बाय प्रेम बाबू, हमारा वाइफ भी आउट ऑफ टाउन है। किसके साथ? यू राइट, वेंकटेश्वरा। आप अगर मुझे इतना अच्छा खाना खिलाएंगे तो मुझे हर रोज बाहर खाने की आदत हो जाएगी। वही तो मेरा इरादा है कि मैं रोज बाहर का खाना खाऊं, और अगर साथ में खाएंगे ना तो और भी मजा आएगा। आप कितने अच्छे हैं। और अकेला भी, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मेरा अकेलापन दूर करना। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? शीतल, जितने सपने देख लिया ना अभी देख लो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें ना ही सोने दूंगा और ना ही सपने देखूंगा। मैं बस यों गया और यों आया। Come on, Meet. You can do it. अरे मुझे तो लगा था इतने सालों की सुस्ती के बाद तूने संग पकड़ लिया होगा, लेकिन नहीं, you're still the best. Come on. यहाँ क्या कर रही है? इसने मुझे शीतल के साथ देख लिया तो मेरी जिंदगी का केबल कनेक्शन हमेशा के लिए कट जाएगा। भाग मीत, टेबल के नीचे। जानू, मर गया मीत। जानू, जानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी, तुम यहाँ? मैं तो वो बाथरूम जाने के लिए आया था ना, क्या है कि हमारे शोरूम का बाथरूम खराब हो गया, इसलिए यहाँ आया था। बहुत अच्छा बाथरूम है, वेरी गुड, वाह क्या बाथरूम। चलो अच्छा हुआ, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा क्यों? आई मिस्ड यू नो जानू। चलो यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम? अच्छा, मुझे तो बहुत बुरी सर्दी है। सर्दी? हाँ। चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका बिल?
बिल कैसा अजीब रेस्टोरेंट है, बाथरूम जाने के लिए बिल लगता है। बिल यहाँ नहीं, टेबल पर दो। टेबल पर दो बिल। क्या जानते हो तुम लोग, काम नहीं जानते हो? जाओ टेबल पर बिल दो। तुम चलो ना डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास चलते, तुम यहाँ क्यों आए? अरे जानू तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक्सक्यूज मी मैडम, योर बिल प्लीज। बिल? बिल तो वो देंगे। कौन वो? तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। हेलो डॉक्टर। हेलो, अब आपकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? बेटर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और होनी भी चाहिए, आखिर आप इतने फिट हैं, इतने चुस्त हैं। रियली? ऑफ कोर्स, जब शर्ट में से इतने कट्स नजर आते हैं तो बगैर शर्ट के तो आप आइए लेटी ना, आई मीन बैठी ना। श्योर डॉक्टर साहब, आज आप कोई भी कसर मत छोड़िएगा, जो कुछ भी करना है बस खत्म कर दीजिए। ऑफ कोर्स। वैसे क्या लग रही हैं आप, क्या फिगर मेंटेन किया आपने, कमाल लग रही हैं आप। कहाँ मेंटेन किया है, कितनी मोटी हो गई हूँ मैं, छू कर देखिए ना, देखिए ना। मैं से मोटापा नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि नाउ देयर इज मोर ऑफ यू टू लव। सो स्वीट, आपको ना एक औरत के सारे राइट बटन दबाना अच्छी तरह से आता है, है ना? मुंह खोले। हाँ हाँ हाँ। कुछ नजर आ रहा है? सब कुछ। बहुत खराब कैविटी है क्या? इससे अच्छी कैविटी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये आप कहाँ देख रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं 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 कुछ नहीं, मैं तो चेक कर रहा था, देख रहा था कि सिर्फ देखोगे ही या कुछ करोगे भी? यू गई और यू आई। ब्यूटीफुल। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, बजा ली थी शहनाई, बज गई। हाय हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल थैंक यू। आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप जैसी ब्यूटी ड्यूटी के लिए मैं तो दौड़ा चला आया। रियली? यस। हाउ स्वीट, थैंक यू। ये रहा आपका पासबुक और चेकबुक।
पासबुक अपने पास रहने दीजिए, चलिए बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम? हाँ, बहुत अच्छा बेडरूम है आपका, इतना रूम है, बेड भी है। How cute, बेडरूम। बहुत गर्म है, मेरा तो बहुत गर्म है आपका बेड। वो क्या है ना कि मैं थोड़ी सी नाजुक हूँ, इसलिए मुझे ज्यादातर नरम चीजें पसंद है। नरम? सिवाय कड़क चाय के। यहाँ कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही? हाँ बहुत गर्मी है। तो कपड़े क्यों नहीं उतार देते? क्या? रिलैक्स। और ये गर्मा गर्म दूध। मैं यूं गई और यूं आई। पियो ना। हाँ, हाँ, हाँ। देखा बच्चों, दूध पियोगे तो ऐसे तगड़े बनोगे। अलग अलग है स्वाद इसके, स्ट्रॉबेरी पिस्ता और केले। दूध ही लेना है तो ले ले, दूध ले ले। टिंग टिंग टिंग। अंकल कैच। यार कितनी बार कहा है कि मेरे पैर मच हुआ करो। आप नाराज क्यों होते हैं? बहुत थके लग रहे हैं। हाँ हूँ। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म दूध तैयार रखा है, थोड़ा सा पी लीजिए। दूध? हाँ दूध, नया ब्रांड है, ले ले दूध। ले ले, ले, ले। अलग अलग स्वाद है, स्ट्रॉबेरी मिलता है। क्या हो रहा है आपको? दूध ले ले। मैंने कहा ना मैडम, एक बार जो चीज हमने बेच दी हम एक्सचेंज नहीं करते। गुड मॉर्निंग शीतल, जरा एक मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी वन सेकंड। गुड मॉर्निंग शीतल। गुड मॉर्निंग सर। मुझे तुमसे दो मिनट बात करनी थी। मैं कस्टमर के साथ जरा बिजी हूँ। अच्छा सुनो तो, फिर लंच टाइम में रेस्टोरेंट में चल के बात करें। आज मैं अपना खाने का डब्बा घर से लेकर आई हूँ, बट थैंक यू एनीवेज। अरे मेरी बात तो सुनो। ओह सॉरी। देखिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं। आई एम रियली सॉरी मैडम, मैं ये हार एक्सचेंज नहीं कर सकती। कर दो। जी सर। एक्सचेंज इट। लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी। हमारी कंपनी की सिर्फ एक पॉलिसी है, द कस्टमर इज जस्ट सो सेक्सी। आई मीन द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जाओ बदल के लाओ। क्या है ना कि वो हार उतना कीमती नहीं है जितना कि आप। जी ग्राहक भगवान होता है ना, उसकी तो पूजा की जाती है। पूजा से याद आया, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो कहीं आप मेरी बहन पूजा की सहेली तो नहीं? हा? पूजा? हाँ आप पूजा की भाई। हाँ और तुम? I'm Monica. Oh my God! कितने बदल गए हो तुम? तुम ही? मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। जैसी भी हो, कमाल की हो। तुम्हें याद है हम पिछली बार रॉकी के पार्टी पे मिले थे? रॉकी? हाँ याद है हाँ। और तुमने इतनी शराब पी थी कि तुमने अपनी पैंट उतार कर अपने हर एक कच्छे में स्विमिंग पूल में कूद लिया था।
और तुमने इतनी उल्टी की कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कभी कभी हो जाता है ना। वो लड़की का नाम क्या? सपना। सपना? तुमने सपना की स्कर्ट और उसने कस के तुम्हें तमाचा मारा था और तुम्हारा गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था। क्यूट लग रहे थे। रियली आकाश, तुमसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो ही मत। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको गलतफहमी हो रही है। इनका नाम आकाश नहीं, मीत है। अगर इनका नाम आकाश नहीं तो मैं भी कोई पूजा वूजा की सहेली नहीं। जी जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग हो तुम। थैंक यू, सी यू। सी यू मोनिका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Wow, she's intelligent, she's hot, and she's strong. Hey, लगता है मैं तो गया। तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला? Love Nest, Berry Cross Road, Bandra West. जब हार लेकर गई थी तो पता छोड़ गई थी। मेरी तकदीर अच्छी है नहीं? अंदर कैसे घुसे? आपके घर के बाहर जो वेलकम मैट है उसके नीचे आपके घर की चाबी है। Wow, what a welcome, madam. Shut up. तुम जानती हो इस तरह किसी के घर में घुसने का अंजाम क्या हो सकता है? Well, I'm hoping कि हसीन हो आपकी तरह। बाकी अब सब कुछ आपके हाथ में। और अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं तो? मैं तो खुद को आपके हवाले करने आया हूं। आगे आपकी मर्जी। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है आप ऐसा नहीं करेंगी। मुझ पे इतना यकीन? आप पर भी और खुद पर भी। माना कि आप किसी पूजा वूजा को नहीं जानती, लेकिन शायद पूजा के इस भाई को जानने भी लगेंगी और चाहने भी। कैसे कर लो तुम पर यकीन? कहीं छुरा वुरा दिखाकर मुझे लूट ले आते हो? मैं तो खुद यहाँ लूटने आया हूँ, फिर भी चाहो तो तलाशी ले लो। इतनी जल्दी नहीं, बस थोड़ा इंतजार। सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा। चोरी चोरी छोरा छोरी छत पे मिलेंगे तो खेलेंगे प्रेम गेम। हे चोरी चोरी छोरा छोरी छत पे मिलेंगे तो खेलेंगे प्रेम गेम। छोड़ के सारी बातें, बस रोमांस रहेगा मेन। ऑन द रूफ इन द रेन, ऑन द रूफ इन द रेन, ऑन द रूफ in the rain, on the roof, in the rain. Chori chori chora chori chhat pe milenge to khelenge prem game. Chhod ke sari baatein, bas romance rahega main. On the roof, in the rain, on the roof, in the rain, on the roof, in the Thank you.
करो कहना मेरा मानो ना, 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 ना। इन दूरियों का दर्द तो जानो ऐसे जो हंसोगी दीवाना कर दोगी तो आएगा कैसे चैन ऐसे जो हंसोगी दीवाना कर दोगी तो आएगा कैसे चैन कह रही बेताबियां हालत अपनी है से On the roof in the rain On the roof in the rain On the roof in the rain On the roof जाम से डरते अच्छा जो सोच लेते हैं वही करते छू नहीं ऐसे बताऊं तुम्हें कैसे गए उठता है दिल में पेन छू नहीं ऐसे बताऊं तुम्हें कैसे कि उठता है दिल में पेन ओहो लॉस नहीं है इसमें कोई इसमें भी है गेन ऑन द रूफ इन द On the roof, in the rain On the roof, in the rain On the roof, in the rain Chori chori chora chori chhat pe milenge to khelenge prem game Chhod ke sari baatein bas romance rahega main On the roof, in the rain On the roof, in the rain On the roof, in the rain On the roof अमर आज की शाम एक महीना पूरा होने के नाम सो माय डियर मीत लेट्स मीट और टकराएं जाम से जाम यस अबे प्रेम आज प्रोग्राम तेरे घर पे कैसे रखा अरे मेरी बीवी हमेशा की तरह जगराता पर गई है सो व्हाई नॉट हियर एक आईडिया मैन ए मीत बोलना बिरयानी खाए कि नहीं अबे यार मेरी तो दूसरे ही दिन निकल पड़ी क्या बात कर रहा है और कोई मामूली बिरयानी नहीं शाही चिक बिरयानी यार मुझे तो कुछ दिनों के लिए ऐसे लग रहा था कि बिरयानी तो दूर मेरे हाथ मूंगफली भी नहीं लगने वाली शुक्र है किसने तुझे दूध नहीं पिलाया क्या यार सुनना फिर तीन हफ्तों पहले मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की आई जिसके बारे में मैंने कभी सपनों भी नहीं सोचा था ए, लगता है अपने फट्टू की फटी हुई किस्मत सिल गई ए प्रेम तू बता ना तेरे साथ क्या हुआ कुछ लोग देर से आते लेकिन दुरुस्त आते हैं दो हफ्ते पहले वो मेरी जिंदगी में ऐसी आई जैसे बाहर आई यार अरे साले तू मेरी वाली को देखेगा ना तो तेरा ये मुंह खुला का खुला रह जाएगा अरे तुम मेरी वाली को देखेगा ना तो तेरा मुंह भी खुला रह जाएगा और जुबान लटक कर घुटनों तक पहुंच जाएगी सॉरी टू इंटरप्ट गाइस लेकिन अगर तुम दोनों मेरी वाली को देखोगे ना तो जुबान के साथ साथ दिल भी निकल कर उसके कदमों में आ जाएगा अच्छा अच्छा तो देखते हैं ना किसकी वाली ज्यादा खूबसूरत है ओके ओके रह गया ना मुंह खुला का खुला उड़ गए ना होश You sure ये तेरी वाली है? कोई शक? तो फिर मेरी वाली कौन है? अबे ये कैसे हो सकता है? तेरी वाली और मेरी वाली की शक्लें हूबहू एक जैसे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Got it! अरे दोनों जुड़वा मैंने होंगे। सीता और गीता यार। हाँ। Thank God। जुड़वा मैंने तो सुनी थी। लेकिन ये तिड़वा कहाँ से आई? सीता गीता मोनिका
मोनिका, मोनिका। हाँ, मेरी वाली का नाम तो मोनिका है। ए, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड का नाम इज्जत से ले, तो जान से मार दूंगा। थैंक यू प्रेम। ठीक है, ए, तू क्यों थैंक यू बोल रहा है? क्योंकि मैं मोनिका का मीत हूँ, वो मेरी है। ए, मोनिका ना ही तेरी है ना ही फट्टू की, मोनिका मेरी है। पिछले दो हफ्ते से हम दोनों का चक्कर चल रहा है। क्या? कमीने, तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चलाने की कोशिश की है? प्रेम, मैं जानता था कि तुझे दूसरों की प्लेट में झांकने की आदत है, लेकिन तू मेरी प्लेट में मुंह मारेगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। देखिए भाई साहब, तुम दोनों कुछ गलतफहमी हो रही है। एक्चुअली मोनिका तो मुझसे प्यार करती है। ए! तुझ पर दया का अगर एक दो बातें क्या कर ली होगी उसने कि तूने बैठे बैठे अपने रास्ते इमेजिन कर ली उसके साथ। एक बात कान खोल कर सुन ले कि मोनिका सिर्फ मेरी बांसुरी की धुन पर नाचती है, सिर्फ मेरी। अबे हट, ये बैंड मास्टर, अपनी बेसुरी बांसुरी बंद कर वरना तोड़ के हाथ में दे दूंगा। हाथ लगा के तो देख, मैंने भी चूड़े थोड़ी पहन रखी है। अच्छा तू देख भाई, क्या डाउन बॉयज। मोनिका तुम यहां क्यों? तुम तीनों का दिल चुरा सकती हो तो प्रेम के घर की चाबी नहीं चुरा सकते क्या? बिल्ली मारने निकले थे ना, अभी अपनी अपनी दुम दबाकर चुपचाप बैठ जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? आवाज नीचे करो यार। तुम मर्द हर वक्त इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोलते हो? उस दिन बैंड स्टैंड पे भी तुम इसी तरह चिल्ला रहे थे और मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या? हाँ, दाल छोड़कर बिरयानी खाने का प्लान, अपने बीवियों को धोखा देने का प्लान, मैंने पता करवाया कि तुम लोग रहते कहाँ हो वगैरह वगैरह, और फिर बिरयानी ढूंढने वाले तीन बकरों को फंसाने का प्लान बनाया। पहले मैं मीत के शोरूम पे गई हार लौटाने के बहाने, और मेरी प्लान के मुताबिक वो अपना दिल हार बैठा। और फिर मैं अमर की क्लिनिक गई। हेलो, Can I come in? Yeah, sure. Please come in. दांत का दर्द दिखाने और खुद उसकी जिंदगी में दर्द बन जाने। और finally मैंने प्रेम के बैंक में अकाउंट खोला। Excuse me. Yes, ma'am. Can I open an account, please? एक ऐसा अकाउंट जो हमेशा के लिए उसके अकाउंट को खाली कर देगा। मतलब तुमने खिलवाड़ किया हमारी सच्ची लस्ट के साथ? लस्ट नहीं, लव के साथ। हाँ, बहुत शौक था ना घर की दाल को छोड़कर बाहर की बिरयानी खाने का। अब अगर तुम तीनों नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बीवियों के पास जाकर तुम्हारे खाने का बिल दिखा दूं, तो कल शाम तक मुझे 10-10 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। 10 लाख? अरे 10 लाख रुपए तो क्या मैं तुझे 10 नए पैसे नहीं दूंगा? हाँ, अगर तू लोटा लेकर सिग्नल पर भी खड़ी हो गई ना, तब भी हम तुझे भीख नहीं देंगे। क्यों अमर? हाँ ठीक है, फिर मैं गीता भाभी के लिए यहीं रुक जाती हूँ। अपने पति की तस्वीर की रोज पूजा करने वाली औरत अगर तुम्हें मेरे साथ इस तस्वीर में देखेगी तो लोटा लेकर सिग्नल पर मैं नहीं तुम नजर आओगे। फोटो? वैसे तुमने मॉडलिंग के बारे में कभी नहीं सोचा? बड़े फोटोजेनिक हो। अबे ये तूने क्या किया प्रेम? कोई गधा ही किसी को अपने इस तरह की फोटो खींचने दे सकता है? गधों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल है। क्या? देख लो। हाँ, और अगर प्रेम मॉडल बन सकता है तो तुम तो गारंटी हीरो बन सकते हो। देखो चेहरे में कितनी लाइट है। मोनिका जी, मोनिका जी, कह दीजिए ना कि तुमने मेरी तस्वीर नहीं खींची, प्लीज। सॉरी डार्लिंग, बट डोंट वरी, जब तुम्हारी बीवी तुम्हें जान से मार देगी तो अगले दिन के न्यूज़पेपर में मैं यही फोटो छपाऊंगी। प्लीज हमारी बीवियों को ये फोटो मत दिखाना। हमारे पास पैसे होते तो हम दे देते, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। लेकिन तुम तीनों के बीवियों के पास तो है ना, तभी तो बैंक में काम करते हो, लेकिन फिर भी इतने आलीशान घर में रहते हो। तुम तीनों लाख बेवकूफ सही, मगर शादी बड़ी समझदारी से की है। कल मैं तुम तीनों का इंतजार बैंड स्टैंड पर करूंगी, और अगर तुम पैसे लेकर नहीं आए तो समझ गए ना। गुड बाय बॉयज। मीत? हाँ
सर अपनी गाड़ी की चाबी तो देना। क्यों? डार्लिंग, इतनी बड़ी रकम लेने में रिक्शा में आऊंगी, अच्छा लगेगा क्या? बाय स्वीटीज, सी यू टुमारो। लग गए ना रस्ते, हो गए ना बर्बाद। अच्छा भला घर की दाल चुपचाप से खा रहे थे, साले तेरे आइडिया आइडिया के चक्कर में बिरयानी खाने निकले और अटक गई ना गले में हड्डी। अच्छा अब सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो, तू अकेले थोड़ी फंसा है, फंसे तो हम सब है ना। शिट, शिट। अगर पिंडिया को वो तस्वीरें मिल गई ना, वो तो मुझे चीर फाड़ डालेगी यार। ए, चीर फाड़? उससे पहले तो वो मोनिका की बच्ची हम तीनों का कीमा बना देगी, कीमा गली के कुत्ते भी नहीं खाएंगे। अरे यार खाया तो मैंने भी कुछ नहीं, और इतना महंगा बिल भरना पड़ रहा है यार। मतलब तूने भी कुछ नहीं? हाँ यार, अरे उस लवनस में मुर्गी नहीं अंडा मिला, अंडा उसने कहा था बस थोड़ा सा इंतजार। सबर का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। यानी कि साला खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 30 लाख का। अगर हर रोज मैं अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर जमा करूँ ना, तो 20 जन्म में इतनी रकम नहीं जुटा पाऊंगा। अरे मैं तो बैंक में सिर्फ काम करता हूँ, बैंक थोड़ी मेरे ससुर की है। अरे जो कुछ मेरा है वो तो मेरे स्वर्गीय ससुर का ही है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों से बातों में उलझे रखो, पीछे से आके सारी का गला दबा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, धीमी आंच पर उसे उल्टा लटका कर उसका तंदूर बनाते हैं, तंदूर। एक मिनट, उसकी सुपारी दे देते हैं और मैं हिटमैन को पर्सनली इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि उसे तड़पा तड़पा कर मारे। मैं एक बात बोलूँ? हाँ बोल बोल बोल। चुपचाप पैसे दे देते, पहले की नहीं बोला यार। इस कौन बनेगा करोड़पति को अभी बंद होना था, अगर पैसे नहीं मिले तो मोनिका इस पति को रोड पे ले आएगी। अरे तुम छत पर क्या कर रहे हो, अब तक नहाने नहीं गए? अगर पैसे मिल जाए तो गंगा नहा लूंगा। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाऊंगा नहाने, जाऊंगा एक कप चाय मिलेगी। इस घर को चाय की दुकान समझ रखा है क्या? रोज एक कप चाय पीकर ही हल्के होने जाते हो, सुबह से 10 कप पी चुके हो और बाथरूम जाने का कोई नाम ही नहीं। हल्का कैसे हो जाओ, उसने इतनी भारी पुच्चो मारी है। क्या? कुछ नहीं मेरी माँ, कुछ नहीं। कलयुग घोर कलयुग। इन्हें भी कलयुग में आना था। एक और सीनियर सिटीजन के घर में ढाका और इस बार बेचारी 60 साल की बूढ़ी औरत के घर से पूरे 13 लाख लूट कर ले गए। पढ़िए पढ़िए आगे पढ़िए ना। पुलिस का कहना है पूरा गैंग जो ऑपरेट करता है, पहले किसी बहाने से घर की घंटी बजाता है डिंग डोंग, उसके बाद घर में एंट्री लेकर सब कुछ साफ कर देता है। और ये गैंग के गट्स देखो, चोरी के बाद वहां पर अपनी निशानी छोड़ कर जाता है। निशानी गोल्डन कलर का ग्लव। कैन यू इमेजिन व्हाट दिस वर्ल्ड इज कमिंग टू। गैंग, हाउ इंटरेस्टिंग। मम्मी जी, क्या है? मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। तो आरती उतारू? नहीं नहीं, बिंदिया आए तो कह देना कि मैं घर देरी से आऊंगा। कह दूंगी, वो भी तो किट्टी पार्टी के बाद शॉपिंग जा रही है, लेट आएगी। और आप भी जरा घर के दरवाजे को अंदर से ठीक से लॉक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ज़माना बहुत खराब हो गया है ना। तू अपनी फिकर कर। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। बाय लगू सासू जी। पैर इधर है। जानू, जानू देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या लाई हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊँ? अभी मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? छोड़ो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। ठीक है। अरे तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा यार, रामलाल जी की चिट्ठी आई है। रामलाल जी? हाँ, पता है आज से पूरे 30 साल पहले जब पिताजी पहली बार मुंबई आए थे, तब उनके जेब में सिर्फ 1 10 रुपए का नोट था, तब रामलाल जी ने उन्हें घर दिया, खाना दिया, नौकरी दी, सहारा दिया। इतना सब कुछ सिर्फ 10 रुपए में? सुनो ना, मरने से पहले पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा मीत, भगवान चाहे तुम्हें जितने ही मौके दे, रामलाल जी का एहसान चुकाने के लिए वो कम है। और आज उनकी चिट्ठी आई है, उनकी बेटी की शादी हो रही है और लड़के वालों ने दहेज मांगा है। उन्होंने आज पहली बार मुझसे मदद मांगी है। अब तुम ही बताओ भला मैं उनकी मदद कैसे करूं? अरे कैसे? अरे, करूं? क्या कर रहे हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। नहीं आंचल, नहीं नहीं, मैं उन बेशरम पतियों में से नहीं हूं जो अपने बीवी के बाप के पैसों को अपने बाप के दोस्तों में दान करते। कैसी बात कर रहे हो, जो कुछ मेरा है वो आपका ही तो है। नहीं आंचल, मैं अपनी बीवी से पैसे कभी नहीं ले सकता, नेवर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बापू, मुझे माफ कर देना बापू, आपको दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाया। जानू, जानू, जानू।
प्लीज मत रोना जानू, देखो तुम्हें मुझसे पैसे लेने ही होंगे। हाँ चल। कितने पैसे मांगे थे उन्होंने? सिर्फ 10 लाख। क्या? आज शाम तक। ओ, मगर घर पे मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट है ना? हाँ, बैंक में है। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। बंदी बढ़िया को क्लोरोफॉर्म सुंगा के सुला देता हूँ। साली WWF की बच्ची है। कौन आ गया इस वक्त? अरे बाबा आती हूँ। चश्मा किधर है मेरा? आती हूँ। ये कौन है? कोई नहीं है। मेरा चश्मा किधर है? अरे बाबा बोला ना आ रही हूँ। कौन है? अरे दूध वाला हूँ माँ जी। दूध वाला? इस टाइम पर? दूध वाले भैया तुम इतनी देर से क्यों आए हो? वो का है ना कि हमरी भैसन माँ जरा सुबह देर से उठी ना, इसीलिए। अजीब फैशन माँ की भैसन माँ है तुम्हारी। रुको खोलती हूँ। You want to mess with me? Good night, my sweetheart. Golden Club Gang. भगवान, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगता हूं। कुछ ऐसा चक्कर चला दे कि लक्ष्मी आकर मेरे कदमों में गिर जाए। भगवान, मैंने तुझसे लक्ष्मी मांगी थी, महालक्ष्मी नहीं। सुबह सुबह इसको पैर पड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जी, आपसे एक छोटी विनती करनी थी। क्या है, जल्दी बोलो। जिस सार्वजनिक संस्था की मैं मेंबर हूँ ना, वो पिछले 2 महीनों से बेघर बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे यार, मैं चंदा कहाँ से दूंगा? अरे आपको कुछ देना नहीं है, चंदा इकट्ठा हो गया है। उन बच्चों को एक नई जिंदगी देने की ये हमारी छोटी सी कोशिश है। कितनी छोटी कोशिश है? 12,05,350 रुपये। 12,05,350? हाँ, तो मैंने सोचा कि पैसे अच्छी तरह से बैंक में जमा करने वाला आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? आप मेरे लिए पैसे जमा कर देंगे ना जी? मैं? तुम महान हो, भगवान का वरदान हो, मेरे जीने का सवाल हो, छोड़ो मेरी जान। उठे उठे। जानू, तुम नहीं जानती कि आज तुमने मुझे ये पैसे देकर, ये जिम्मेदारी देकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। भूल जाओ, आज के बाद इन पैसों को भूल जाओ। क्या?
अब मेरा मतलब इन पैसों की चिंता करना भूल जाओ, मैं इन पैसों को बिल्कुल सही जगह पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब मैं अपने सत्संग के लिए जा रही हूँ। जाओ सत्संग, गो। लेकिन जानू बैग। सॉरी बच्चों, अगर मुझे बेघर होने से बचना है तो आपको कुछ दिन और बेघर रहना पड़ेगा। सॉरी हाँ। अबे फट्टू सुन, सारा पैसा अब इस बैग में, इससे कुछ हुआ ना तो तेरी धुलाई कर दूंगा। धुलाई? तेरे घर में अगर वॉशिंग मशीन खराब हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं अपनी सास को भेज दूंगा। तुमसे अच्छी धुलाई तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं कर सकती। अरे धुलाई तो मैंने भी अपनी खुद की करवाई, लेकिन झूठ मूठ की। खुद के कपड़े फाड़े, मेकअप करके घर पहुंचा और कहा मैं करता भी तो क्या करता, वो लोग चार थे और मैं सिर्फ एक। 10 लाख रुपए ले गए, साथ में ये 2,05,350 रुपए छोड़ गए। शायद उनको 10 लाख की ही जरूरत थी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से आप सही सलामत है। मेरी श्रद्धा और पूजा काम आ गई, अब तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए पहले से भी ज्यादा व्रत रखूंगी। क्या? हाँ। मतलब अब तो कुछ और महीनों तक भूखा रहेगा। अरे इस मोनिका नाम की बंदूक ने मेरी भूख ही मिटा दिया यार। हिम्मत देख मोनिका की घड़ी। देखा कैसे आराम से बैठी हुई है। हम जैसे बकरों को फांस के मजे से ही बैठेंगे ना। चल हम पैसे साथ लाए। मोनिका जी ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो हेलो इसे किसने मारा? अरे मुझे क्यों पूछ रहा है? मैंने थोड़ी मारा यार। हम यकीन कैसे कर ले? ए प्रेम तू ज्यादा शाना मत बन, समझा ना? तू इसको पूछना। ये कह रहा था ना उस दिन कि रस्सी से गला घोट के मार देते, दिख नहीं दिख, गले पे निशान भी है रस्सी के। हाँ तुम जरा मेरी तरफ ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे मक्खी नहीं मारी, इसे क्या मैं खाक मारूंगा? अरे यार ये भी सही बोल रहा है। ये फोटोज, वो पैसे लेके फोटोज देने वाली थी ना। बैग 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 में होंगे। चक्कर चक्कर। अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। शिट शिट शिट। मैं तो कहता हूँ लाश को गाड़ी में छोड़कर निकल जाते। चलो जा रहे हो ताकि पुलिस को इसकी लाश मेरी गाड़ी में मिले और मैं फांसी में लटकूं, यही चाहता है तू? तो हम दोनों को भी क्यों फंसा रहा है यार? बॉस फंस तो अब हम तीनों गए हैं, जब तक ये लाश ठिकाने नहीं लग जाती कोई ऐसे हिलेगा नहीं, समझे ना? ठीक है जल्दी जो भी करना जल्दी करना यार। देना। हाय हाय, एक चिकनी तीन चिकने, क्या सीन है? देखो अभी हमें जाना है। अरे हीरो ऐसे कैसे चले जाओगे बिना कुछ दिए ही? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, क्यों बेबी? हाय हाय ये बेबी कुछ बोलती नहीं, क्या क्या हुआ इसे? अब कुछ नहीं कुछ नहीं, अब तबीयत खराब है, तबीयत मैं देखूं जरा। क्या करे? हाय हाय भगवान तुम्हारा भला करे, लंबी उम्र हो तुम्हारी। लंबी उम्र? अब उम्मीद तक तुम्हारा मिलना। हाय हाय टाटा। शिट मुझे बहुत डर लग रहा है यार। चुप भट्टो, मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। मुझे जेल नहीं जाना यार। शिट शिट शट अप यार, दोनों इडियट्स। डॉक्टर कब आया?
अनब को देख लिया यार। शिट शिट शिट। अबे लेकिन तू क्या कर रहा था? वैसे भी वो समझता है कि तेरे मेरा अफेयर चल रहा है। चुप करो यार तुम दोनों। अरे अब देखो सब अपने अपने घर जाओ चुपचाप। और आज के बाद याद रखना ना ही हम किसी मोनिका से मिले थे और ना ही मैं तुम दोनों को जानता हूँ। मुझे भी तुम दोनों का चेहरा आज के बाद देखना ही नहीं है। मनुष्य वो बारात जब मैंने तुझे सड़क के पार देखा था उस बारात ने बेचारी मोनिका का तो जनाजा निकाल दिया। अभी जो हुआ सो हुआ भूल जाओ उसे। भगवान ने चाहा तो आज के बाद कोई नई मुसीबत नहीं आएगी। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ हम तो यहाँ हवा खाने आए थे सर। हवा खाने का इतना ही शौक है तो जेल की हवा खिलाता हूँ। समंदर की सैर बहुत कर ली, कहो तो हवालात की सैर कराता हूँ। क्या हुआ, सबकी हवा क्यों निकल गई? नहीं नहीं सर, हम तो बस। तुम लोगों को लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप जानते हैं? बच्चे तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन इंस्पेक्टर सिकंदर को धोखा नहीं दे सकते। हमारा यकीन कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ कुछ नहीं किया। आधी रात सड़क पर गाड़ी रोके शराब पीते और कहते हो कुछ नहीं किया। शराब? अब हमने शराब थोड़ी पी है सर, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सर। हाँ सर सची मदर स्वेयर, शराब तो दूर की बात है, ये तो दूध भी नहीं पीता। राइट सर, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जो गैर कानूनी हो। कभी नहीं। गुड, और करना भी नहीं। बिकॉज आई हेट क्राइम एंड आई हेट क्रिमिनल्स। जाओ यहां से, ठहरो। और एक बात याद रखना, दुनिया में सिर्फ तीन चीजें हैं जो कितनी भी कोशिश करो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुत्ते की दुम, पड़ोसी मुल्क की नियत और सिकंदर के हाथों से मरोड़ी हुई गर्दन। जाओ यहां से। बाल बाल बच गए। अगर वो इंस्पेक्टर 5 मिनट पहले आया होता ना तो हमारी तो। अरे मेरी तो अब तक फटी हुई है कि मोनिका हमारी फोटो साथ क्यों नहीं लाई। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, अब जब मोनिका ही नहीं रही तो फोटो से क्या डरना। नहीं मीत, अमर सही कह रहा है, जब तक फोटो हमारे हाथ ना लगे डर तो रहेगा ही ना। हाँ हाँ यार, ये मेरी बीवी मेरी जान लेगी क्या? हेलो, हाँ क्या है? अभी के अभी घर आओ। क्या क्यों, क्या हुआ? घर आओ, बताती हूँ क्या हुआ। और तुम्हारे वो दोनों कमीने दोस्तों को भी साथ लेके आना। क्या हुआ? अरे यार मैंने आज तक आंचल को इतने गुस्से में नहीं देखा यार, और वो तो मुझसे कह रही थी कि अपने दोनों कमीने दोस्तों को भी साथ लेकर घर इसी वक्त आओ। क्या? हाँ, हमें कमीना कहा? हाँ, और ऐसे भड़क रही थी जैसे कि उसने मुझे मोनिका के साथ। अबे अबे कहीं मोनिका ने वो सारी फोटो हमारे घर तो नहीं भेज दिए? क्या बात कर रहा है यार। शिट 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 शिट। दरअसल बात ऐसी है ना जानू कि। मत कहो मुझे जानू, तुम्हें क्या लगा कि मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? हाँ
आंचल मुझसे इतना प्यार करती है कि मैं चाहे जो भी गलती कर लूं वो मुझे माफ कर देगी, यही सोचा था ना तुमने? मगर तुम एक बात भूल गए कि औरत जितना प्यार कर सकती है ना उतनी ही नफरत भी कर सकती है, और वक्त आने पर वो लक्ष्मी से दुर्गा का भी रूप ले सकती है। तुम दोनों, लानत है तुम दोनों पर, तुम दोनों दोस्त नहीं दरिंदे हो, दरिंदे। मुझे पता है ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए तुम दोनों ने ही इन्हें बहकाया होगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सारा प्लान तो इस प्रेम का है। झूठ बोल रहे हो बिंदु। तुम यहाँ? हाँ, हम तीनों यहाँ हैं। गीता, क्यों, तुम्हें क्या लगा हम दिव्या नहीं जानती कि उनकी पति क्या कर रहे हैं? हमें सब पता है। क्या? हाँ, हम जानते थे कि तुम तीनों ये प्लान पिछले एक महीने से बना रहे हो। और अगर तुम दोनों को ये लगता है कि मैं अपने पति को उनके जन्मदिन की रात अपने बीवी के साथ नहीं बल्कि तुम दोनों के साथ बिताने दूंगी तो तुम लोग गलत सोचते हो। हाँ, क्या जन्मदिन? जन्मदिन, जन्मदिन, जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। क्यों, डरा दिया ना तुम तीनों को? हम तीनों बीवियों ने सोचा कि अब जबकि तुम तीनों पहले की तरह एक साथ घूमने फिरने लगे हो तो हमें भी दोस्ती करनी चाहिए। इसीलिए तो प्रोग्राम बनाया कि आज हम सब इकट्ठे मिलकर मीत का जन्मदिन मनाएंगे। मीत का जन्मदिन और मोनिका का मरणदिन। सुनो ना, आज हम सब सेलिब्रेट करने होटल जाएंगे और बिरयानी खाएंगे। बिरयानी? भैया छुड़ा के नहीं जाना, आना जी आना संग ठुमका लगाना। ओ सैया जी भैया छुड़ा के नहीं जाना, आना जी आना संग ठुमका लगाना। मैं तो अभी ना घर जाऊंगी, खुद नाचूंगी तुमको नचाऊंगी।
तुम जाके उन्हें देखो, मैं अभी आता हूँ, ओके? बाय। लगता है पुड़िया मिल गई। मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी, आपका ये हाल किसने किया? दूध वाले ने। दूध वाले ने? क्यों? इस महीने के दूध का बिल तो हमने दिया था। अबे गधे, सोफा, गधे, चोर दूध वाले के भेष में आया था। लेकिन मैंने उस कमीने को ऐसे घूसे मारे कि जिंदगी भर भूलेगा नहीं। कीड़े पड़े उसे, उसकी सात पुश्ते बेऔलाद निकले। मम्मी जी, अगर उसकी सात पुश्ते बेऔलाद निकलेंगी तो उसकी सात पुश्ते आएंगी कहाँ से? तो डॉक्टर ही बन जाता मेरे साथ। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। चल चल अभी चल। नहीं, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मम्मी का इतना बुरा हाल करके वो चोर घर लूट कर चला गया और हम पुलिस को नहीं बुलाए? अरे चोर वो पैसे लेकर गया ही नहीं। क्या, तुम्हें कैसे पता? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले देख तो ले कि घर में क्या क्या चोरी हुई है, उसके बाद पुलिस को बुलाते हैं। कभी कभी अकलमंदी की बात करता है। अरे तू अभी इधर ही है, चल ना देखते हैं। अरे यहाँ तो पहले से भी ज्यादा पैसा है। क्या? हाँ, ये कैसा चोर है जो पैसे लेने के बजाय पैसे छोड़कर चला गया? मैं बताता हूँ, चोर यहाँ आया था चोरी करने के लिए, लेकिन मम्मी जी के दर्शन होते ही उसकी आंखें खुल गई। आंखें मम्मी जी के पावन स्पर्श से उसे एहसास हो गया कि वो जुर्म और बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चले। इसलिए उसने वो सारे पैसे भी यहाँ छोड़ दिए जो उसने कहीं और से चुराए थे। वाह मम्मी जी वाह, यू आर ग्रेट, आप देवी हो देवी। अब अगर पुलिस को फोन किया तो वो यहाँ के पैसे ले जाएगी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। एक मिनट, तेरा पहला वाला आइडिया बेटर है। बेटर है पैसे अंदर रख, तिजोरी बंद कर, पुलिस को कोई और फोन करे, हम क्यों करें? चलो। तुमने क्या पहन रखा है गीता? क्यों, क्या मैं इसमें सेक्सी नहीं लग रही हूँ? कुछ ज्यादा ही। तो आइए आज प्यार के आंगन में गुलाब ही नहीं पूरा गुलदस्ता खिला देते हैं। यहाँ हम दोनों के सिवाय और कोई नहीं है जानू, आओ ना। आज क्या हो गया आपको? बार बार किसका भूत देख रहे हो? मोनिका का, अब मेरा मतलब किसी का नहीं। तो चलो ना जानू। जानू एक मिनट, आज नहीं गुलदस्ता फिर कभी खिलाएंगे, आज माली की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जान, ये उन खुशियों जितने अनमोल नहीं है जो तुमने मुझे दिए है। फिर भी एक छोटी सी कोशिश तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। जाने एक बात पूछूं,
अगर तुम्हें पता चले कि मैंने कोई गलत काम किया हो तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? अभी देख कर आती हूं इस रोमांटिक पल को कौन खराब करने आ गया। मीत मेहता घर पर है? आपको क्या काम है? उन्हें बुलाइए, सिकंदर साहब ने थाने पे बुलाया है। क्या थाने पे? बताओ वरना जान से मार डालूंगा। बांध लो इनका। यस सर। आओ मेरे साथ। कल शाम को तुम तीनों बैंड स्टैंड पर थे और कल शाम को वहां से हमें एक लड़की की लाश मिली। इसे देखकर बताओ कि तुमने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। बोलो। नहीं सर। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स सर। सर इतना खूबसूरत चेहरा कोई बड़ा कैसे भूल सकता है? कौन थी बेचारी इंस्पेक्टर साहब? इसका नाम मोनिका था। पता है? इसका मतलब है कि आपको कैसे पता है कि इसका नाम मोनिका है? मेरा मतलब है था। उसकी जेब से इसका ड्राइवर्स लाइसेंस मिला। हाँ, गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था उसे। इसका मतलब है कि इनकी मौत कैसे हुई? कार एक्सीडेंट से? किसी ने बेरहमी से उसका गला घोट के उसे मार डाला। एक्सक्यूज मी सर, मोनिका के घर की तलाशी ले ली हमने। कोई सुराग मिला? नहीं सर, अंधेरी में हीरा विला में जहां वो रहती थी हमने वहां पे सबसे पूछताछ की मगर कुछ पता नहीं चला। दोबारा उसके घर की तलाशी लो, खूनी का पता वहीं से चलेगा। सर। तुम तीनों को यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, कूल है। बॉम्ब के फटने से धमाका निकलता है, पतलून के फटने से धागा निकलता है और एयर कंडीशन कमरे में अगर किसी की फटती है तो पसीना निकलता है। तुम लोग जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो वापस बुलाऊंगा। वापस? ओके सर, हम तीनों आपकी पूरी मदद करने को तैयार है। मदद तो अब उस कातिल के ऊपर वाला भी नहीं कर सकता, वो जहां कहीं भी हो मेरी नजरों से ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। बिकॉज आई हेट क्राइम एंड यू हेट क्रिमिनल्स। गो। लगता है साले को हम पर शक हो गया, अगर उसे हमारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला ना तो वो हमें फांसी पर लटका देगा। और सबूत है वो तस्वीरें, मैंने उसी दिन कहा था कि तस्वीरें एक दिन में लटका देगी। शिट शिट शिट। अबे लटका तो क्यों हमें देगा, अभी बड़े शिट 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 कर रहा है, वहां तो अंदर मुंह से शिट कर रहा था। तो क्या करता, साले मोनिका की लाश देख के मेरी तो अरे शिट निकल गई। अरे मोनिका कब से अंधेरी के हीरा विला में रहने लगी, वो तो बैंड्रॉफ इसके लवनेस में रहती थी। मुझे लगता है कि वही जगह उसकी लवनेस है जहां पे वो हम तीनों मुर्गों को बुलाती थी। मतलब लवनेस में तस्वीरें। सिकंदर के वहां पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए और उन तस्वीरों को मिटा देना चाहिए। अभी नहीं 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 मेरे बाबलू, देखो खुले आम दिन दहाड़े हम वहां नहीं जा सकते, रात होने तक रुकते हैं फिर जाएंगे। अभी एक काम करते हैं, सब लोग अपने अपने काम पर चलो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, ताकि अगर कोई भी अपना पीछा कर रहा हो ना तो उसे लगना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल है। You're right, you're right. एक काम करते अपन शाम को मिलते। Right, पंटू, चलना पंटू। Bye. Okay, चलना। Bye. Okay. ये जिप को क्या हो गया, चढ़ क्यों नहीं रही है? क्या बात है प्रेम बाबू, बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम मुझे छोड़ो, तुम लेट क्यों आए? आजकल मैं भी देरी से सोता हूँ, देरी से उठता हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से। साला हराम कोट ठरकी।
सर आप यहाँ? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यार रोज खोलता हूँ अकाउंट। कितने इत्तेफाक की बात है, जिस मोनिका का चेहरा तुमने पहचानने से इनकार कर दिया था उसका अकाउंट भी तुमने खोला था। हर कस्टमर का चेहरा थोड़ी याद रहता ना सर। तुम्हें कहा था ना इतना खूबसूरत चेहरा कोई भूल सकता है? ये चेहरा तो नहीं भूलोगे ना? मीत, मैं कितने सालों से आपसे कहने को तड़प रहा था कि आंखें हैं। वाह वाह इन आंखों में। अरे ये बुड़की वाला यहाँ कहाँ से आ गया? बच्चों का बढ़िया, बच्चों का। Oh my God! मैंने कितनी बार कहा मैं रामू नहीं डॉक्टर अमर हूँ। अमर, अरे क्या हुआ? मीत का फोन आया था, उसने कहा कि तुम दोनों मेरे क्लिनिक आ रहे हो। क्यों? अबे तेरा बाप सिकंदर बैंक आया था क्या? उसे मालूम हो गया कि मोनिका ने मेरे बैंक में अकाउंट खोला है, उसे उसकी चेकबुक मिली। शिट शिट शिट। ओके ओके साइलेंस। कूलर कूलर, इसमें डरने की कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। ये तो अपनी जिम पर कर यार। अबे यार कब से ट्राई करो, समय से बंद कर दो ट्राई कर। हेल्प नहीं, नहीं यार तू भी छोड़। इंस्पेक्टर सिकंदर। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कर रहा सर, कुछ नहीं कर रहा था मैं। हाँ कर तो वो लोग रहे सर, देखिए 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 आप ही देखिए। ये उल्टी गंगा देखकर तो उल्टी आ रही है। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। नहीं घोर कलयुग। तुम यहाँ? मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं आ सकता क्या? कभी ये सोचा है कि तुम दोनों को जेल में मिलने कौन आएगा? अबे अब क्या प्रॉब्लम होगी? क्यों बुलाया मुझे? मैंने बोला था ना शाम तक नहीं मिलना। इतनी बड़ी कौन सी आफत आ पड़ी? आइए, गांधी जी के तीसरे बंदर की कमी थी। सर आप यहाँ? दुनिया में तीन चीजें बिन बुलाए आ जाती हैं, मौत, जुलाब और ये जनाब। अपॉइंटमेंट फाइल लो। अपॉइंटमेंट फाइल। सर ये आप क्या करें? क्या आपके पास सर्च वारंट है? दोबारा अगर मुझे हाथ लगाया तो हाथ काट के ऐसी जगह घुसा दूंगा कि जिंदगी भर खाना भी मुंह से पड़ेगा और निकालना भी। मोनिका सिंह, 14 नवंबर शाम 5:30 बजे। अब तुम भी यही कहोगे कि तुम्हारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, सबके चेहरे याद नहीं रहते। देखिए सर ये सारी बातें काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि हमारा मोनिका के खून के साथ कोई लेना देना है। इत्तेफाक से तुम्हारी याददाश्त भी जरा कमजोर लगती है। खैर याद दिला देता हूं। हार भी अच्छा है और टिब्बा भी। मेहता ज्वेलर्स। कितना बड़ा इत्तेफाक है कि मोनिका तुम तीनों को मिली थी और तुम तीनों में से किसी को भी उसका चेहरा याद नहीं। ये इत्तेफाक ही हो सकता है। क्या ये भी इत्तेफाक है कि तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो रहे? ये भी इत्तेफाक हो सकता है ना सर। तो तुम्हारे लिए अफसोस की बात यह है कि इत्तेफाक से इंस्पेक्टर सिकंदर इत्तेफाक में विश्वास नहीं रखता। आज से तुम तीनों अपने दिन गिनने शुरू कर दो
क्योंकि जिस दिन मैं तुम लोगों को फांसी पर चढ़ाऊंगा वो सबूत की बिना पर होगा, इत्तेफाक की नहीं। अगर इस जल्लाद को सबूत मिल गया ना तो हम तीनों की तो मौत है। जल्दी लवनेस चलकर वो फोटोज ढूंढते हैं। आ जाओ। मोनिका अपने घर की एक्स्ट्रा चाबी इस वेलकम मैट के नीचे रखती थी, अभी होगी। मिल गई। तू जाके देख। साला सिकंदर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस सिकंदर की तो करो। यस सर। सर लगता है हमसे पहले यहां कोई आ चुका है। कातिल हमेशा यही तसल्ली करने लौटता है कि कहीं उसने कोई सुराग तो नहीं छोड़ दिया और वहीं गलती कर बैठता है। तुम अच्छी तरह तलाशी लो। जी सर। क्यों बुलाया था? टाइम पास करने। अरे गलती से बुलाया था यार। हाँ, घर कब आ रहे हो? पता है हम सब ने हैंगिंग गार्डन जाके हैंगआउट करने का प्लान बनाया है। मैं भी प्रेम और अमर के साथ हैंगिंग आउट ही कर रहा हूँ। मैं बाद में फोन करता हूँ मेरी माँ। हाँ, हेलो, जानू। देवी, जाकर देखे सिकंदर क्या कर रहा है, जाकर देखना। ओके, संभाल। सर ये कुछ पेपर्स मिले। अबे अमर के तरह क्या फो कर रहा है? क्या हुआ? अबे मैंने फोटो गिरा दी यार। क्या फो? अबे तू खड़ा रह सीधा।
क्या करेंगे, क्या करेंगे? प्रेम तू एक काम कर, तू मोनिका के घर पे फोन कर। एक मिनट, पर मोनिका तो घर पे है ही नहीं। भाई तू चुप रह। हाँ बोल। तू फोन कर और सिकंदर को किसी भी तरह बातों में उलझाए रख, ओके? ठीक है। फोन दे। फोन ले, डायल कर। हेलो। हेलो सर्वोदया वीडियो लाइब्रेरी। क्या रेशमा की जवानी है? क्या बकवास कर रहे हो? कच्ची कली भी चलेगी। शाप। ओह शिट, काट दिया। और मीत अंदर है। कुछ नहीं मिला सर। चलो। ये तो हम यहाँ बंद करके चले गए यार। तो अभी हम करें क्या अभी यार? शिट, ये मुझे बहुत जोर से लगी है यार। चुप यार, तेरे को लगी है यहाँ पे फंस गए, कर गए यार। अबे यार ये सोचा मैं अपनी गीता को क्या बोलूंगा, मैं कहाँ था रात भर। तू गीता को छोड़, आंचल का क्या होगा? लगी है यार। अबे फट्टू इतना ही मुंह है तो यहाँ मेरी जेब में मुंह है। रिलैक्स, चिल्ला मत, रात भर यहीं रहना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू फ्लावर पॉट में मुझ जा। Morning, boys. Good morning. भाई साहब, मैं वही हूँ जिसने मोनिका को ऊपर भेजा, और अब चाहूँ तो तुम तीनों को भेजने का इंतजाम भी कर सकता हूँ। यानी कि तुमने? हाँ, मैंने ही मोनिका को मारा है। मुझसे गद्दारी करने चली थी बेवकूफ। मगर मुझे पूरा यकीन है तुम तीनों ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। लेकिन आप हमसे चाहते क्या है? वही 30 लाख रुपए जो तुम लोग मोनिका को देने वाले थे। लेकिन पैसों का बंदोबस्त करने के लिए सिर्फ 2 दिन है तुम लोगों के पास, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन? हाँ। मुझे मालूम है तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे, क्योंकि जिन तस्वीरों के चक्कर में तुम लोग कल रात से यहां लटक रहे हो वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो मेरे पास है। देखोगे? ये देखो। देखो कितने प्यार से तुम तीनों मोनिका की लाश को उठाकर ले जा रहे हो। अगर चाहो तो ये तस्वीर अपने घर के एल्बम के लिए रख सकते हो। मेरे पास नेगेटिव्स है, जितनी चाहे कॉपीज बना लूंगा। 2 दिन, वरना ये तस्वीरें पहुंचेंगी सिकंदर के पास और तुम तीनों पहुंचोगे मोनिका के पास। चलो अब ये लटकना बंद करो और काम पे लगो। चलो। अरे यार, ये एक सिकंदर काफी नहीं था जो हमें बंदर की तरह नचाने के लिए ये नया ब्लैकमेलर टपक पड़ा? पता नहीं कौन से जन्म की पापों की सजा भुगत रहे। कौन से जन्म की? अबे इसी जन्म के पापों की सजा भुगत रहे। एक बात बता दोस्तों, क्या हम तीनों के मुंह पर लिखा हुआ है कि आओ भाई हमें ब्लैकमेल करो, कि कोई ना कोई बार बार आ जाता यार। अब मुंह काला करके आए हैं तो कोई ब्लैकमेल ही तो करेगा। मुझे तो ये आदमी बहुत डेंजर लगता है।
अब मोनिका जैसे हसीना का मर्डर तो कोई कमी नहीं कर सकता है। मैं तो कहता हूँ उसे पैसे दे ही देते और अपनी जान छुड़ा दे। पैसे दे ही देते और जान छुड़ा देते, ऐसे बोला कि हम तीनों ने पैसे अपने कच्चे में छुपा रखे हैं। अरे हाँ, अरे साले सारे पैसे तो तेरे कच्चे तेरे तिजोरी में। हाँ, तू घर जाके ले गया, जा जा, तुझे दोबारा चोरी करनी पड़ेगी। दोबारा उस घर में? अबे सवाल ही पैदा नहीं होता। अबे भट्टू, अरे सुन, अबे सुन ना यार, तुझे चोरी करनी पड़ेगी। हाँ? क्या है, चुपचाप ड्रिंक पियो। तुझे चोरी करनी पड़ेगी। हाँ यार, करनी पड़ेगी। अच्छा, ताकि मेरी सास मुझे दोबारा पटक पटक कर धोए। मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा, सिकंदर की गोली से मर जाऊंगा, लेकिन दोबारा उस घर में अपनी सास के हाथों पिट्ठे में कभी नहीं जाऊंगा। तुम दोनों को इतना ही शौक है तो तुम दोनों क्यों नहीं जाते मेरे घर में चोरी करने के लिए? बात करते हैं। अच्छा बेटा, ताकि तेरी सास हम दोनों को पटक पटक कर धोए। क्यों नहीं, आइडिया आइडिया। अरे सुन यार, अमर तू एक काम कर, तू आज रात अपनी बीवी और सास को किसी फिल्म दिखाने लेकर जा। तेरे घर में कोई नहीं होगा, तब मैं और मीत आकर तिजोरी से पैसा निकाल लेंगे। अरे क्या सोच रहे हो यार? यही कि पहली बार सुनने में तेरा हर आइडिया बहुत अच्छा लगता है, बाद में साला कच्चा निकलता है। अरे ऐसे इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आज रात पैसा निकालने के बाद हम ब्लैकमेलर को दे देंगे, फिर जिस सबूत के वजह से सिकंदर हमें सजाए मौत दिलवा सकता है वो अपने कब्जे में होगा। ये सही है, आज चाहे कुछ हो जाए हम अपनी रिहाई का इंतजाम करके रहेंगे। राइट 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 राइट। कोई मिल गया तो हाउसफुल है, तो चलो फिर अपने हाउस ही जाते हैं। नहीं, वहां गए तो वहां भी कोई मिल जाएगा। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब मिल जाएगी, किसी ना किसी और फिल्म की टिकट जरूर मिल जाएगी। बाजू में बहुत ही एजुकेशनल फिल्म लगी है, नाइट क्वीन। नाइट क्वीन, नाइट क्वीन साउंड्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मम्मी जी, मैं आपको बताता हूँ। बॉस, लगता है घर में कोई नहीं है। मतलब खाली है ना? अरे अच्छी बात है, खाली घर को और खाली कर देंगे। चल खोल जल्दी। अरे बॉस, घर का दरवाजा भी खुला है। लगता है आज के बाद अपनी तकदीर का दरवाजा भी खुल गया। चल घुस ले अंदर, खुल खुल। उस गधे अमर को कहा था कि कम से कम दरवाजा खुला रखे, अब करेंगे क्या, घुसेंगे कहां से? आइडिया नहीं नहीं नहीं, तेरा आइडिया बहुत डेंजरस है, मैं घर जा रहा हूं। ट्रस्ट मी, छत से जाते हैं। हां, छत से जाते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। ओह गॉड, यस 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 यस, ओह ओह यस यस यस। कौन खिलाकर सॉफ्ट पॉर्न दिखाता है, इडियट। बिंदु, अपनी आंखें बंद करो और चलो मेरे पीछे, इडियट। मम्मी जी, बिंदु जी, एक काम कर, तू जा। मैं क्यों जाऊं, मैं तेरे 3 महीने छोटा हूं, तू जा। इडियट। जगह कोशिश कर, कोशिश कर। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। फटाफट दूसरी चाबी दे, तीसरी दे। अबे ठीक से सपोर्ट देना, क्या कर रहा है? अबे नहीं है मेरे पास, कहाँ से दूँ? ओए ओए अबे अबे पैर छोड़, पैर छोड़ दो, क्या पकड़ो, क्या करे, गिरूंगा, पैर छोड़ क्या? God, I can't believe it. Educational film दिखाने ले जाऊंगा। करारी मेरी education. I have never been in such an awkward position in my life. चक्कर आ रहे हैं मुझे. I need some fresh air. मैं छत पर जा रही हूँ. बिंदु, तुम जाके बेडरूम के अंदर सो जाओ. मैं करेला का जूस पी कर आता हूँ. खुद बना लोगे? हाँ हाँ, जरूर बना लूँगा. Good night. Good night. दरवाजा खुला रखा और तुम दोनों अब तक चोरी करके घर से निकले नहीं। ओ नो, तुम दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन दिया था ना, दिया था ना। शिट, लगता है सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा।
तेरे साथ कभी चोरी नहीं करूंगा। ये नहीं, ये वाला देना यार। जैसे वार करता है। क्या टाइम पास कर रहा है, छुड़ाना अपने आप को काकी से। अबे बकवास बंद करो, मुझे छुड़ाना यार। ए बुढ़िया जरा छोड़ दे इसको, वरना देख मैं तीन तक गिनूंगा। देख एक दो। You got guts! लाइट किसने ऑफ कर दी? काली बुड़ी, काली बुड़ी। यार ये मुझसे खुल क्यों नहीं रहा? बुढ़िया ने कोड बदल दिया क्या? किधर हो, किधर हो? चड्डी पहन कर आता हूँ ऊपर। शर्म दे आते तुम दोनों को। तुम्हारे गैंग का नाम क्या है? चड्डी गैंग। पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये देखता क्या, मारना खाली कहूंगी को। मारा ये। ओ बेबी को चोट लगी। वेरी गुड। इडियट्स, अपने बैग निकाल रहे हैं। अबे भाड़ में गया तेरा गोल्डन ग्लव यार, अपने आप को असली गैंग का मेंबर समझते क्या? ऊपर से अगर अंडरटेकर की माँ आई तो हम सबकी हड्डी पसली एक कर देगी। एक बात बताओ दोस्तों, वी हैव डन इट, वी हैव डन इट, वी हैव डन इट। Yes, yes, we have done it. अच्छा भागो, भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। चोर, चोर! बिंदु, बिंदु! भाड़ में जाए, चल निकल यहाँ से। Nobody takes Pongo with me. अमर, मेरे दोस्त, मेरे यार, ये क्या हो गया? क्या हुआ? तेरे यार कल की धुलाई अब तक दर्द कर रही है। Well done, buddy. Well done. Congratulations. वैसे पैसे तुमने सेफ जगह छुपाए ना? वही तो हम तुझसे पूछना है। तुमने पैसे कहाँ छुपाए? हाँ कहाँ? मैंने? हाँ। चोरी तो तुम लोगों ने की है, तो पैसे तो तुम्हारे पास है। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? चोरी तो दूर की बात है, तेरी सास से जान छोड़ा के भागे वही बहुत बड़ी चीज है। क्या? हमें लगा कि सारी कंफ्यूजन में तूने पैसे चुरा लिए। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो खुद तुम दोनों को पैसे देके भगाया था। अबे क्या? हाँ, पैसे तो हमारे पास है नहीं। हाँ। क्या? तो फिर पैसे हैं किसके पास? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? यार मीत, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मेरे पति हैं और ये इनके दोस्त मीत और प्रेम। कल रात के हादसे के बाद मैंने इंस्पेक्टर साहब को बुला ही दिया। वाह, अजीब इत्तेफाक है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम लोगों के हाथ कानून से ज्यादा लंबे हैं।
कानून जुर्म होने के बाद वहां पहुंचता है, तुम लोग पहले ही पहुंच जाते हो। मैं आपकी बात समझी नहीं। जिनको समझना था वो समझ गए। आप चोरी के डिटेल्स दीजिए मैडम। रात को जब मेरे पति, मेरी माँ और मैं फिल्म देखकर घर आए, तब चोर अंदर घुस चुके थे। मेरे अंदाजे से चोर दो थे। कितनी अजीब बात है, चोर भी दो थे और आपके पति के दोस्त भी दो हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, दिखाना चाहता हूं। हवलदार, साहब यही है वो आदमी। इन्होंने कल रात हमें पैसे दिए और कहा जल्दी भाग जाओ। क्या? हाँ साहब, घर में हम दोनों के अलावा दो चोर और भी थे। और वो दो चोर आपके पति के दोनों दोस्त मीत और प्रेम थे। लेकिन आपके पति ने एक गलती कर दी, असली चोरों को मीत और प्रेम समझकर पैसे उनके हवाले कर दिए। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरे पति पर ऐसा इल्जाम लगाएंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है और इनकी बेइज्जती मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पति मेरे भगवान हैं और अपने भगवान पर शक करना मेरे लिए पाप है। और मैं उन्हें ही नहीं पूछती पर उनकी भी इज्जत करती हूँ जिन्हें उन्होंने दोस्त कहकर अपने सीने से लगाया है। आज आप सब इनका साथ दे रही हैं, लेकिन आप इनको जानती नहीं। मुझसे बेहतर मेरे पति को कोई नहीं जानता। दो चोरों की बात सुनकर आप मेरे पति पर शक कर सकते हैं मगर मैं नहीं। ठीक है, लेकिन तहकीकात पूरी होने तक चोरी के पैसे पुलिस स्टेशन में जमा रहेंगे। जो करना है कीजिए, लेकिन इस वक्त यहां से चले जाइए। आज तक हम तीनों से बड़े कमीने नहीं देखे। माना कि हम लोग बुरे हैं, लेकिन हमने जिंदगी में कभी ना कभी कुछ तो अच्छा काम किया होगा कि आज हमारी बीवी ने हमारा साथ दिया। मैंने अच्छी तो हमारी बीवियां हैं और उनकी अच्छाई मुझे और बुरा होने का एहसास दिलाती हैं। मुझे माफ कर दो दोस्तों, सारी गलती मेरी है। अगर उस दिन मैंने तुम दोनों को भड़काया नहीं होता तो आज शायद तुम दोनों से मुसीबत में नहीं होते। I'm sorry. साला मुझे कॉलेज से मालूम था कि तुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं है, लेकिन अगर तुझसे दोस्ती करना मेरी बेवकूफी थी ना तो ऐसी बेवकूफी मैं बार बार करने को तैयार हूं दोस्त। गाइस, जो हुआ वो हम तीनों की गलती थी। आधा घंटा हो गया यार, आंचल का फोन नहीं है। मैं अपनी सैटेलाइट को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। मित साहब, आपका फोन है। जा, आंचल होगी, जा जा जा। थैंक यू। जानू तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और आनी भी चाहिए। मुझे भूलने की गलती करोगे तो खुद एक याद बन के रह जाओगे। तुम? हाँ मैं। ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आज तुम तीनों का आखिरी दिन है। कल सुबह बैंड स्टैंड पे पैसे लेकर पहुंच जाना, वरना सिकंदर के पास तुम तीनों की मौत का वारंट पहुंच जाएगा। अरे मेरी बात तो क्या हुआ? आंचल का ही फोन था ना? तो फिर किसका था? ब्लैकमेलर का। क्या? हाँ, ब्लैकमेलर का फोन था यार। वो कह रहा था कि कल सुबह बैंड स्टैंड पैसे लेकर पहुंच जाओ वरना। अरे लेकिन अब हम करेंगे क्या? हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। एक ही तरीका है कि
कि कल उसके सामने गिड़गिड़ाते कि हमारे पास पैसे है ही नहीं यार, और हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दे यार, और अगर वो नहीं माना तो भुगतेंगे अपने कर्मों की सजा। क्या मतलब कल सुबह हमारी बीवियों को सब सच पता चल जाएगा? यार घर चलते हैं, जिंदगी के बचे कुचे लम्हे अपनी बीवियों के साथ बिताते हैं, क्या पता कल शायद घर ना हो ना ही वो लम्हे। मैं जानता हूं कि मैंने ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित करने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन हो सके तो मुझे इतना आशीर्वाद देना कि कल सुबह मैं अपने घर को टूटने से बचा सकूं। ये तुम क्या करी हो बेटा? मेरे पैर मत छो। मैं जानती हूं कि आपको मेरी इस बात से बहुत नाराजगी होती है। मैं आज नाराज नहीं होगी था, मुझे भगवान का दर्जा मत दो। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कोई भगवान नहीं बल्कि मामूली इंसान हूं, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। ये दिल तो आप ही का है, कोई भला अपनी ही चीज थोड़ी तोड़ता है। आप काफी थके हुए लग रहे हो, आप सो जाइए, मैं मंदिर होकर आती हूं। आंचल, आंचल कहाँ हो तुम? जानू, जानू कहाँ थी तुम? पता है कितना फोन ट्राई कर रहा था तुम्हारा, और आज एक बार भी फोन नहीं किया तुमने। पता नहीं कैसे भूल गई। I'm so sorry, जानू। मैं बस अभी आई हूँ। भूल गई? हेलो। Life is so short ना, और इस short सी life में मैं तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक भी पल, तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक भी बात, तुम्हारे सुंदर से चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन मिस नहीं करना चाहता। यू लव मी ना? मिस मी? अभी एक सेकंड पहले तो। एक सेकंड? तुमसे आधे सेकंड की भी दूरी मुझे आधा कर देती। आई लव यू आंचल। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, हाँ दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है, जान
तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो इतना ही कर दो करम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम आवारगी ने बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना आवारगी में बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं चैन मेरा ले लो खुशी मेरी ले लो दे दो मुझे दे दो सारे गम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आती थी क्योंकि इसी सिगरेट और शराब की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया अपने पापा की तरह मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी रो रो के आंसुओं के दाग धुल जाएंगे इनमें वफा के रंग आज घुल जाएंगे पास तुम रहोगी भूल अब ना होगी करूंगा ना तुम पे सितम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम ओ रब दी कसम यारा रब दी कसम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम चलो बच्चों पैसे निकालो चलो चलो वो क्या है कि पैसे तो नहीं है क्या
सालो ज्यादा शान पति की तो तीनों को डाल दूंगा संदीप प्लीज प्लीज हमारी बात तो सुनिए प्लीज हम पैसे इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि इस वक्त हमारे पास इतने सारे पैसे हैं नहीं हमने हमने रियली बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे अबे अबे तो यहाँ क्या छक मारने आए हो नहीं नहीं हम एक्चुअली बिनती करने आए हैं कि आप हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दे प्लीज देखिए हम कहीं भाग तो नहीं रहे आपके पैसे जरूर दे देंगे बस आज छोड़ दीजिए प्लीज सालो प्लीज सिकंदर ए नॉर्मल तरीके से बात करना सब किसी ने होशियारी की तो गोली मार दूंगा समझा यहाँ क्या हो रहा है क्यों यहाँ रुकना गैर कानूनी है क्या ज्यादा ही मुंह चलने लग गया ये कौन है ये हमारे दोस्त है हाँ जी मुंबई आए इसे हम जरा सैर करवा रहे मुंबई में और भी जगह है दिखाने लायक पता नहीं तुम तीनों की गाड़ी यहीं आके क्यों रुक जाती है चलो ए देना हाय हाय तुम तीनों चिकने फिर आ गए और ये मुस्टंडा कौन है साथ में और हाँ वो चिकनी बेबी साथ में नहीं है आज क्यों क्या तुमने इन तीनों को किसी लड़की के साथ देखा था बिल्कुल देखा था साहब लड़की यही थी हाँ हाँ यही तो थी थैंक यू साहब थैंक यू वेरी मच क्यों छूट गए ना छक्के अब तुम लोगों को फांसी पे चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता नहीं सर मगर सुनो सर हमने मोनिका को नहीं इसने मारा सर इसने गाड़ी से उतरो तुम तीनों भी उतरो अबे भगा गाड़ी भगा नहीं तो खोपड़ी उतार दूंगा चल बकवास बंद कर दूंगा ठोक डालूंगा साले हट दूंगा चले भगा भगा चल चल देखिए मेरी पास समझने की कोशिश बंदूक छोड़ नहीं चलेगा प्लीज बंदूक मेरी पास समझने की कोशिश अबे बंदूक छोड़ आराम से अबे मैं बंदूक छोड़ अबे आराम से बंदूक छोड़ प्लीज बंदूक छोड़ प्रेम यार तूने ये क्या कर दिया यही तो था जो हमारी बेगुनाही को साबित कर सकता था प्रेम से मारकर हम तीनों को मौत दे दिए अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी मारा यार गोली गलती से चल के गोली यार मैंने कहा था ना आई हेट क्राइम एंड आई हेट क्रिमिनल्स यू आर अंडर अरेस्ट क्यों क्यों किया तुमने ऐसा क्यों दिया इतना बड़ा धोखा हमें क्या कमी थी हमारे प्यार में नहीं कोई कमी नहीं थी कमी तो हम में थी जो तुम्हारे प्यार को पहचान न सके उसे समझ न सके हमने मोनिका को नहीं मारा
दुनिया इस बात को माने या ना माने, अगर तुम तीनों ने इस बात को मान लिया तो कम से कम सजा पाते वक्त अफसोस जरा कम होगा। आपने मोनिका को मारा हो या ना हो, लेकिन हमारे भरोसे को जरूर मारा है। आप दोबारा भरोसा करे भी तो कैसे? लगता है सदमे से हमारे बीवी पागल हो गई। जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ। अपने आप को शेर समझकर इस बकरी का शिकार करने निकले थे ना, लेकिन इस बकरी ने तुम तीन शेरों का बकरा बना दिया। यानी कि इस दुनिया में तीन चीजें निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, डिब्बे में से घी, गैर कानूनी बस्ती और शादीशुदा मर्दों में से मस्ती। और इस मस्ती को निकालने का प्लान हम तीनों बीवियों ने मिलकर बनाया, मगर जानू तुम्हारी मदद के बिना हम कभी कामयाब नहीं होते। हाँ मेरी मदद? हाँ, याद है उस रात मैंने तुम्हें आखिरी बार फोन किया था तो तुमने गलती से तुम्हारा फोन ऑन छोड़ दिया था और तुम्हारे इस सैटेलाइट ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं तो कहता हूँ कि हम सबकी शादी भी ऐसे ही मोड़ पर है कि अगर घर वाली से प्यार और मजा नहीं मिल रहा है तो क्यों ना बाहर वाले को ढूंढ कर ऐश किया जाए। Let's have an affair, guys! पहले जब आंचल ने मुझे और गीता को बताया हम दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ। रो रो के हमारी तो आधी जान ही निकल गई थी। 21वीं सदी की औरतें होकर तुम तीनों 18वीं सदी की औरतों की तरह रो क्यों रही हो? देखो आंचल, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों अपनी अपनी शादियाँ तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन तुम तीनों के पतियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। Absolutely right. सिकंदर भैया आप? हाँ, दो दिन पहले ही आ गया और अब लगता है बिल्कुल सही वक्त पर आया। मोनिका ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। अमर ने मुझे कभी नहीं देखा है। इस बात का फायदा उठाकर तुम तीनों के पतियों को सबक सिखाने का ऐसा प्लान बनाऊंगा कि वो जिंदगी भर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम तीनों को मेरा साथ देना होगा। हो सकता है कि उनकी बुरी हालत देखकर तुम तीनों का दिल पिघल जाए, लेकिन तुम तीनों को मजबूत होना पड़ेगा। अगर तुम लोग ये वादा करती हो तो मैं भी वादा करता हूँ कि तुम तीनों के पतियों की गाड़ी पटरी पर लेकर आऊंगा। हम आपके साथ हैं। और मोनिका का खूनी वो कौन था? इंस्पेक्टर बापट। रिपोर्टिंग सर। इंस्पेक्टर साहब ये भी? हाँ, मैंने इनका साथ दिया बिकॉज आई हेट क्राइम एंड आई हेट क्रिमिनल्स। तुम तीनों ने इनके प्यार और शादी के रिश्ते को धोखा देने की कोशिश करके बहुत बड़ा गुनाह किया, इसलिए उस दिन से लेकर आज तक जो तुम लोगों की बैंड बजी है वो हम सब ने मिलकर बजाई। यानी कि हमें सबक सिखाने के लिए आपने पहले मोनिका को हमसे मिलवाया और ब्लैकमेल करवाया, फिर उसकी झूठी मौत का नाटक रचाकर इंस्पेक्टर सिकंदर को जल्लाद की तरह हमारे पीछे छोड़ दिया ताकि दिन रात पल पल हम हजारों मौत मरे। हमें मोनिका के घर से लटकाया, अमर की सास से मार खिलाया और इतना रुलाया कि हम खुद से नफरत करने लगे। हमें सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए आप सब इतनी हद तक गई कि हमारा जीना हराम कर दिया।
थैंक गॉड कि आपने ये सब किया। मैं तो कहता हूं कि हम जैसे कमीनों के साथ इससे भी बुरा सलूक करना चाहिए था। हाँ, आप लोग तो फिर भी हमारे साथ नरमी से पेश आए। आपको तो हमारा मुंह काला करके हमें सरेआम दौड़ाना चाहिए था। लेकिन अब हम अपना सबक सीख चुके हैं। आज से हम हर शादीशुदा मर्द से यही कहेंगे कि चुपचाप घर की दाल खाए, बिरयानी के चक्कर में ना पड़े। पड़ोगे तो गले में हड्डी फंसेगी ही फंसेगी। हमें माफ कर दो। इट्स ओके, तुम तीनों को तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है ना, यही काफी। आज तुम सब एक बात कान खुल कर सुन लो, और तुम बीवियां भी, माना कि मर्दों को कोई हक नहीं बनता कि अगर उन्हें घर की दाल पसंद ना हो तो बाहर बिरयानी ढूंढने निकल पड़े। लेकिन अगर तुम बीवियां कभी कभी घर पे ही बिरयानी बनाया करोगी तो मर्द कभी बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए बिंदिया, तुम अपनी मम्मी जी यानी कि मेरी मामी जी को आज शाम ही चार धाम के लिए रवाना कर दो। गीता, बहुत हो गया जगराता। और आंचल, अपने पति को आंचल से बांधना छोड़ दो। तो दोस्तों, क्या सीखा तुम लोगों ने? दाल फ्राई हो या बिरयानी, घर का खाना चंगा, बाहर खाने जाओगे तो हो जाएगा पंगा। नहीं, पराई लड़की को नहीं देखेंगे, पराई लड़की को नहीं देखेंगे। Bloody guys. No girls. क्या? No girls? तुम दोनों बच जाओगे, मेरी फटेगी पैंट। अरे भाग, कपड़ी आओ। अरे ये गुड़की औलाद कोरस में मेरे पीछे पड़ गए। भाग कपड़ी आओ। Masti. चैन कुली की चैन। दिल का पंछी करे धमाल, पिंजरे में ना इसको डाल, लड़ जाने दे, लड़ते हैं जो नैन। मौज मनाए, धूम मचाए, मस्ती में काटे दिन रैन। हो 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 हो। चैन कुली की चैन। दिल का पंछी करे धमाल, पिंजरे में ना इसको डाल, लड़ जाने दे, लड़ते हैं जो नैन। मौज मनाए, धूम मचाए, मस्ती में काटे दिन रैन। हो